एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अब जब फोटोमॉर्फोजेनेसिस की बात आ रही है तो वर्ड को पहले आराम से ब्रेक करके समझ लेते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखो दो वर्ड हैं यहाँ पे, एक फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, और मॉर्फोजेनेसिस का मतलब समझो। अब मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होना। कोई एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर बन रहा है और उस पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बनने के लिए लाइट रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें लाइट के कारण किसी तरीके की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण हो उसे कहा जाता है मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब भी लिख ही लेते हैं। तो मॉर्फोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी लाइट के प्रेजेंस में बन रही है तो उसे कहा जाएगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अब ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है। देखो अब हर बार मॉर्फोलॉजी चेंज हो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बने, कोई जरूरी नहीं। लेकिन जब भी प्लांट के ऊपर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो लाइट के प्रेजेंस में जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आते हैं वही चीज़ कहलाती है हमारे फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो दूसरा डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, जनरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन का होना ही कहलाता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लांट के अंदर लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। प्लांट के अंदर लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिसके द्वारा यह प्रूफ हो चुका है कि लाइट जो होता है प्लांट में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस को प्रभावित करता है। कुछ एग्जांपल लेना चाहो तो सिंपल सा, क्या किया हमने, कुछ सीड लिया और सीड को क्या किया हमने, लाइट से ट्रीट कर दिया, तो वो सीड में जर्मिनेशन को मिला हमको। लेकिन अगर उसी सीड को हमने डार्क में रखा तो सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। तो इससे ये चीज तो समझ में आ रहा है ना कि प्लांट में क्या हो रहा है। यहाँ पे प्लांट में कोई ना कोई पाथवे ऐसा है जो कि लाइट के द्वारा स्टार्ट होता है, तब जाके सीड में जर्मिनेशन देखने को मिल सकता। लेकिन अगर उसी सीड को हमने क्या कर दिया, अंधेरे में रख दिया, डार्क में रख दिया, तो सीड में जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो सीड का जर्मिनेशन जो हुआ कुछ प्लांट्स में लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो एग्जांपल कहलाएगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अब लाइट में दो चीजें होती, एक तो होता है इंटेंसिटी का मतलब लाइट का कितना वेवलेंथ प्रेजेंट है, उसमें कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, और दूसरा चीज ड्यूरेशन,
मतलब कितने टाइम के लिए हम लोग लाइट दे रहे हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का ड्यूरेशन दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है प्लांट के डेवलपमेंट में। तो लाइट इंटेंसिटी एंड लाइट ड्यूरेशन अफेक्ट डेवलपमेंटल प्रोसेस। लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का ड्यूरेशन दोनों का दोनों प्लांट में डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, प्लांट के ऊपर लाइट पड़ रही है तो लाइट को क्या किया जाता होगा, अपटेक किया जाता होगा किसी ना किसी प्लांट्स में। कोई ना कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि लाइट को क्या करते होंगे, एब्जॉर्ब करते होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लांट सेल बना लेते हैं, सिंपल सा बात। प्लांट का सेल हो गया ये। अब प्लांट सेल के ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो जब लाइट प्लांट सेल के ऊपर पड़ेगी तो कोई ना कोई प्रोटीन यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए जो कि लाइट को एक्सेप्ट करने का काम करे, जो लाइट के लिए रिसेप्टर के जैसे काम करे। तो यहाँ पे लाइट के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर कहलाते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं, फोटो रिसेप्टर कहलाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सही में लाइट प्रभावित करता भी है कि नहीं करता है, तो इस चीज को सिंपल सा एग्जाम्पल से तुम लोग समझ सकते हो, और इस एग्जाम्पल को तुम लोग खुद देखे होगे घर में या फिर महसूस किए होगे। चलो सिंपल सा एक काम कर रहे हैं हम। देखो ये रहा गार्डन, और गार्डन में पूरा का पूरा घास लगा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, गार्डन में कुछ हिस्से जो थे उनके ऊपर हमने घास लगा हुआ था उसके ऊपर हमने कुछ रख दिया, जैसे कुछ लकड़ी रख दिया, कुछ ऐसा रख दिया जिसके कारण यहाँ पे ये वाले हिस्से के नीचे लाइट नहीं जा पा रही, बाकी सभी जगहों पे लाइट आराम से जा रही है, लाइट प्रेजेंट है, लेकिन इस हिस्से के नीचे लाइट नहीं जा पा रही होती है, लाइट एब्सेंट होता है। अब जब तुमने कुछ दिन के लिए लाइट वहां पे जाने नहीं दिया तो होगा ये कि जब कुछ दिनों के बाद तुम यहाँ की इस स्ट्रक्चर को हटाओगे तो वहां पे जो घास होगी वो घास यहाँ के घास के मुकाबले क्या होगी, थोड़ी अलग प्रॉपर्टी रखती होगी। अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो जिनके घर में रामनवमी या फिर नवरात्रि इस टाइप का वो चीज होता होगा, उसमें क्या करते हैं, हम लोग घर के अंदर धान को जर्मिनेट करके रखते हैं। अब देखो वो धान जो कि खेत में उगता है वो होता है बिल्कुल ग्रीन कलर का, लेकिन जो जिस धान को हम लोग क्या किए हैं, ग्रो कराते हैं घर के अंदर, वो क्या होता है, पूरे के पूरे ग्रीन कलर का नहीं होता है, हल्के येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। तो अब सिंपल सी बात है कि लाइट जो है वो जाहिर सी बात क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है डेवलपमेंट को। तो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो होते हैं अलग तरीके का कैरेक्टर शो कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुमको देखने को मिला गार्डन में जैसे कि कुछ चीज हमने रख दिया था गार्डन में, तो उसके नीचे की ग्रास को जब लाइट नहीं मिला तो वहां के ग्रास अलग तरीके का प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, और जिन ग्रास को लाइट मिला वो अलग तरीके के प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। अब ऐसे प्लांट जो लाइट के एब्सेंट में ग्रो कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है इटियोलेटेड प्लांट। क्या कहा जाता है, इटियोलेटेड प्लांट। इटियोलेटेड प्लांट उन प्लांट को कहा जाएगा दैट जर्मिनेट और ग्रो इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ऐसे प्लांट कहलाते हैं इटियोलेटेड प्लांट्स। अब जाहिर सी बात है इटियोलेटेड प्लांट है तो उन इटियोलेटेड प्लांट्स में कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो देखने को हमको मिलता ही होगा,
उन इटियोलेटेड प्लांट्स के कैरेक्टर्स या फिर सिम्टम्स को देख लेते हैं। तो सिम्टम ऑफ इटियोलेशन, दो तरीके के प्लांट है हम लोग के पास, ऐसे प्लांट जिनको मोनोकॉट कहा जाता है और ऐसे प्लांट जिनको डाइकॉट कहा जाता है। मोनोकॉट प्लांट का एग्जांपल तुम लोग अभी के टाइम पे देख रहे होगे, जैसे कि धान हो गया, गेहूं देखते होगे, मक्का देखते होगे, ये सब मोनोकॉट्स हैं। डाइकॉट के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे तुम्हारा बीन हो गया, बीन के अलावा क्या देखने को मिल गया हमको, कॉटन हो गया, वो भी नहीं तो जो तुम्हारा चना होता है ग्राम, वो हो गया, ये सब क्या होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं। अब डाइकॉट और मोनोकॉट में जो इटियोलेशन का सिम्टम होता है वो लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर अलग देखने को मिलते हैं। अब तुम लोग क्या करो, अभी के टाइम पे अगर तुम लोग धान को जर्मिनेट होते हुए देख सकते हो, अगर तुम्हारे आसपास में कहीं पे धान लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर धान या फिर जब मक्का ग्रो हो रहा होता है तो कभी अगर ऑब्जर्व करने को मिले तो तुम लोग देखना है एक चीज, क्या देखना कि ये रहा फॉर एग्जांपल सीड, और सीड से जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो पहले यहां से निकला हमारा रूट, रूट जैसा स्ट्रक्चर निकलता है। रूट जैसा स्ट्रक्चर निकलने के बाद यहीं से क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर निकलता है, अब उस स्ट्रक्चर में शुरू में क्या होता है, शुरू में ट्रू लीफ नहीं बन रही होती है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर तो बन रहा होता है, ट्रू लीफ बाद में बनना स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे देख लो कि फॉर एग्जांपल हम इसको बोल रहे हैं दिस इज द ट्रू लीफ, फर्स्ट लीफ, फर्स्ट लीफ से पहले क्या क्या स्ट्रक्चर बन चुका होता है, तो देखो ये स्ट्रक्चर तो हो गया तुम्हारे रूट का, रूट को ही देखो तो रूट का जो स्ट्रक्चर है, रूट के स्ट्रक्चर से पहले हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होता है जिसको कहा जाता है कोलियोपटाइल, और कोलियोपटाइल के नीचे एक स्ट्रक्चर मिल रहा होता है जिसे कहा जाता है मीजोकोटाइल। अब कोलियोपटाइल और मीजोकोटाइल किसको कहा जाता है, तो पहले कोलियोपटाइल का समझ लेते हैं कि कोलियोपटाइल है क्या चीज, उसके बाद मीजोकोटाइल भी समझ लेंगे। पहले कोलियोपटाइल को समझो, तो कोलियोपटाइल क्या होता है, देखो जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है तो ग्राउंड लेवल से पहले, फॉर एग्जांपल यहां पे समझ लो दिस इज द ग्राउंड लेवल, सीड जो होता है वो ग्राउंड पे सीधे जर्मिनेट नहीं हो जाता, ग्राउंड से कुछ नीचे जर्मिनेट हो रहा होता है, तो ग्राउंड लेवल से ऊपर जो सबसे पहला टिश्यू बनता है वो होता है कोलियोपटाइल, क्या होता है, कोलियोपटाइल होता है। और ये जो कोलियोपटाइल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो ट्रू स्टेम है यहाँ पे, और ट्रू स्टेम और लीफ जो है उसको क्या दे रहा होता है, प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा होगा, उसको चारों तरफ से घेर के रखेगा। तो कोलियोपटाइल क्या होगा, इट इज द फर्स्ट लीफ, अबोव द ग्राउंड फॉर्मिंग सीथ अराउंड द स्टेम टिप, अराउंड स्टेम टिप, ये हो गया कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल के साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने कहा है मीजोकोटाइल, और मीजोकोटाइल क्या होता है, तो मीजोकोटाइल एक ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहां पे, व्हाइट कलर का,
एक स्टेम लाइक टिश्यू होता है, कनेक्टिंग, जो कि सीड को और कोलियोपटाइल के बेस को कनेक्ट कर रहा होता है। तो जो हमारा कोलियोपटाइल है, कोलियोपटाइल क्या है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो सबसे पहली लीफ आती है, जो कि ट्रू नहीं है, वो जो ट्रू स्टेम टिप होती है या फिर पहली जो लीफ होती है उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, उसे कहा जाता है कोलियोपटाइल। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है मीजोकोटाइल। मीजोकोटाइल क्या होता है, एक व्हाइट कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सीड को कनेक्ट कर रहा होता है कोलियोपटाइल के बेस तक। अब इस चीज को अगर तुम लोग इमेज के थ्रू देखना चाहो तो इस चीज को हम लोग आराम से गूगल के थ्रू देख सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल इस इमेज की बात कर रहे हैं, इसी इमेज को देखो। यहाँ पे ये जो इमेज है, इस इमेज में तुम लोग ये देख रहे होगे कि जो तुम्हारा जर्मिनेशन हो रहा है सीड का, यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया फॉर एग्जाम्पल मक्के का सीड। अब मक्के के सीड में देखो तो यह मक्के का सीड जब जर्मिनेट होता है तो ये निकला रूट, इसको कहा जा रहा है रेडिकल। ये स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, रेडिकल कहला रहा है। अब जब रेडिकल, रेडिकल तो बनाएगा रूट, उसके ऊपर जब सीड जब जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले देखो जब यहाँ पे निकल रहा है, जब सीड जर्मिनेट होके मिट्टी से बाहर निकल रहा है तो जो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती जैसा तो दिख रहा है, हरे कलर का है, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ट्रू स्टेम है उस स्टेम को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, इसे कहा जा रहा है कोलियोपटाइल। समझ में आया? साथ ही साथ यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसने क्या किया है, सीड को कोलियोपटाइल से कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसे को हम कह रहे हैं मीजोकोटाइल। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा रूट, रूट के ऊपर ये हो गया तुम्हारा व्हाइट कलर वाला मीजोकोटाइल, और ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जा रहा है कोलियोपटाइल, जो कि सॉइल की सरफेस से सबसे पहले निकलता है और जो पहला लीफ होता है उसके चारों तरफ उसको सपोर्ट प्रदान कर रहा होता है। समझ में आ गया कोलियोपटाइल और मीजोकोटाइल किसको कहा जा रहा है। लेकिन जब तुम लोग डाइकॉट प्लांट की बात करेंगे, अभी हम लोग बनाएंगे डाइकॉट प्लांट, तो डाइकॉट प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले जब सीड जर्मिनेट होता है तो पत्ती जैसा दो स्ट्रक्चर निकलता है जो कि सीड के जैसा ही दिख रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोटिलीडॉन। क्या कहते हैं हम लोग, कोटिलीडॉन बोलते हैं। अब इस कोटिलीडॉन के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल, और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसे इपीकोटाइल कहते हैं। चलो बना के दिखाता हूं। सिंपल था, यहीं पे बनाते हैं। देखो अब यहाँ पे कोई एक डाइकोट सीड था, जब सीड जर्मिनेट हुआ तो यहाँ पे सबसे पहले रूट निकलेगा, रूट के बाद यहाँ से क्या जर्मिनेट होगा, प्लांट जर्मिनेट होगा।
और प्लांट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखने को मिलेगा। क्या होगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा होता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होता है और दबाने पे स्पॉन्जी होता है। इसको कहा जाता है कोटिलीडॉन। कोटाइलीडॉन के नीचे जो स्ट्रक्चर है ये, इसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल, और ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है एपिकोटाइल, और बाकी तो ये रूट है ही है। ये हो गया डाइकॉट प्लांट की बात। अब ये हो गया तुम्हारा सॉइल का सरफेस, नहीं सॉइल का सरफेस यहाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया सॉइल, तो सॉइल के ऊपर हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के ऊपर ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तुम लोगों को, वो हो गया कोटाइलिडॉन। उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहा जाता है एपिकोटाइल। इसी एपिकोटाइल से आगे चल के लीफ का फॉर्मेशन होता है। इतना चीज समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो अब हम लोग क्या कर रहे थे, सिम्टम देख रहे थे इटियोलेशन की। अब इटियोलेशन का सिंपल हम लोग मोनोकॉट में देख रहे हैं। तो पहला चीज ये होता है कि अगर मोनोकॉट प्लांट लाइट के प्रेजेंस में जर्मिनेट होते हैं तो उसमें ग्रीनिंग एब्सेंट होती है। ग्रीनिंग मतलब वो हरे कलर का नहीं होगा। कौन से कलर का होगा? हल्के येलो कलर का होगा। ग्रीनिंग नहीं होगी, वहां पे हल्का येलो कलर देखने को मिलेगा। दूसरा चीज क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो लीफ की साइज होगी वो छोटी होगी। रिडक्शन ऑफ लीफ साइज। तीसरा चीज हमको क्या देखने को मिलेगा, फेलियर ऑफ लीफ अनरोलिंग। और चौथा चीज हमको क्या देखने को मिलेगा, जो कोलियोपटाइल होता है और मीजोकोटाइल होता है वो इलोंगेट हो जाते हैं। इलोंगेशन ऑफ कोलियोपटाइल एंड मीजोकोटाइल। तो अभी तक वो जो कोलियोपटाइल और मीजो पिटाइल की हम बात कर रहे थे, वो मीजोकोटाइल की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि देखो जब भी मोनोकॉट प्लांट, जैसे धान जब जर्मिनेट होगा ना, तो जब धान जर्मिनेट होगा और वो लाइट के एब्सेंट में जर्मिनेट होगा तो वो हरे कलर का नहीं होगा। कौन से कलर का होगा? बिल्कुल हल्के येलो कलर का होगा। उसे जो लीफ बनेगी, वो लीफ जो होंगे वो छोटे साइज के होंगे, और साथ ही साथ जब तुम लोग धान को देखोगे ना, धान की पत्ती जब बन के निकलती है तो उस टाइम वो रोल रहती है, मतलब एक रोल के फॉर्म में रहती है, और जैसे जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ता है वो अनरोल होना स्टार्ट हो जाता है और पत्ती पूरी की पूरी खुल जाती है। लेकिन अगर लाइट एब्सेंट रहेगा तो लीफ की अनरोलिंग भी देखने को हमको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ कोलियोपटाइल जो कि ट्रू लीफ नहीं है, और मीजोकोटाइल वो क्या हो जाते हैं? इलोंगेट हो जाते हैं। वहीं पे जब डाइकॉट प्लांट की बात करो, डाइकॉट प्लांट में जो सिम्टम होते हैं हमारे इटियोलेशन के, वो सिम्टम क्या होता है? यहां पे भी ग्रीनिंग एब्सेंट होती है, ये भी ग्रीन कलर का नहीं होता है। दूसरा बात क्या देखने को मिलता है हमको यहाँ पे, कि यहाँ पे भी लीफ की साइज कम हो जाती है, रिड्यूस्ड लीफ साइज। तीसरा चीज हमको क्या देखने को मिलता है कि जो हाइपोकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल देखो तो हाइपोकोटाइल हमने किसको बोला? ये स्ट्रक्चर जो है इसको हमने कहा था हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होता है, हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होता है, और हाइपोकोटाइल नॉर्मल से ज्यादा इलोंगेटेड हो जाते हैं।
बहुत ज़्यादा लंबाई उसकी इंक्रीज हो जाती है, और साथ ही साथ एपिकल हुक का फॉर्मेशन होता है। अब ये एपिकल हुक क्या है उसको देखने के लिए सिंपल सा समझो। अभी हमने क्या किया, थोड़ी देर पहले सीड को जर्मिनेट करवाया था, सेम वही काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया सीड, सीड से जब प्लांट निकल रहा है तो ये निकला रूट, और रूट के बाद ये निकला कोटाइलिडॉन, सॉरी हाइपोकोटाइल हो गया ये। अब ये जो हाइपोकोटाइल होती है, नॉर्मल प्लांट अगर होता लाइट के प्रेजेंस में, जिसको हमने ऊपर बनाया है, अगर वो नॉर्मल होता तो उसमें हाइपोकोटाइल इतना ही लंबा होता और ये जो तुम्हारा कोटाइलिडॉन है वो ओपन हो जाता। लेकिन अगर लाइट एब्सेंट हो, यहाँ पे लाइट प्रेजेंस था तब का केस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लाइट एब्सेंट हो तो क्या देखने को मिलता है? पहला चीज तो ये देखने को मिलता है कि जो रूट की साइज होती है वो छोटी हो जाती है। दूसरा चीज क्या देखने को मिलता है, जो ये हमारा हाइपोकोटाइल है वो इलोंगेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, और उसके साथ साथ एक एपिकल हुक बनती है। एपिकल हुक क्या है, तो ये जो हाइपोकोटाइल है ना वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेगा। और ये जो तुम्हारा कोटिलीडॉन है वो नॉर्मली उतना ज्यादा ओपन नहीं होगा, थोड़ा सा क्लोज्ड होगा, जैसा तुमको लाइट के प्रेजेंस में ओपनिंग देखने को मिल रही है कोटाइलिडॉन्स की, वो देखने को तुमको नहीं मिलेगा। हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो गया है, और दूसरी बात हाइपोकोटाइल थोड़ा बेंड हो गया है, इसे ही क्या कहा जा रहा है, एपिकल हुक कहा जा रहा है। अब इस एपिकल हुक का काम क्या होता है, तो देखो ये जो तुम्हारा कोटाइलिडॉन है वो होता है बिल्कुल नाजुक स्ट्रक्चर, और ऊपर से लाइट एब्सेंट है, तो उस केस में एपिकल हुक ही वो स्ट्रक्चर होगा जो कि हाइपो कोलियोपटाइल को बचाते हुए सीड से ऊपर की तरफ माइग्रेट करवाएगा। ठीक है, तो लाइट के एब्सेंट में पहली बात तो ग्रीनिंग नहीं देखने को मिलती है, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे सॉरी मोनोकॉट हो, चाहे डाइकॉट हो। यहां पे चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, लीफ की साइज जो होती है वो छोटी रह जाती है, और लीफ जो होता है वो अनरोल नहीं हो पाता है। लेकिन मोनोकॉट के प्रेजेंस में कोलियोपटाइल और मीजोकोटाइल का लेंथ बढ़ जाता है, जबकि डाइकॉट के केस में जो हमारा हाइपोकोटाइल है उस हाइपोकोटाइल की लेंथ इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ इसमें एक एपिकल हुक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। यह है सिम्टम तुम्हारे इटियोलेशन का। अब ये इटियोलेशन का सिम्टम कब देखने को मिलेगा, पहला बात तो लाइट एब्सेंट हो तब, और दूसरी बात हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि लाइट जब प्लांट के ऊपर पड़ रही है तो प्लांट में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो कि लाइट को क्या कर रहे होंगे, अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहे होंगे, जिनको हमने क्या कहा था, फोटो रिसेप्टर। तो अगर फोटो रिसेप्टर एब्सेंट है या फिर लाइट एब्सेंट है, दोनों केस में प्लांट जो है वो कैसे बनेंगे, इटियोलेटेड बनेंगे। अब ऐसे प्लांट जिनमें फोटो रिसेप्टर कि जीन में म्यूटेशन की वजह से इटियोलेशन देखने को मिल रहा है, ऐसे प्लांट को एच वाई प्लांट कहा जाता है। रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि यहाँ पे हमको हाइपोकोटाइल का लेंथ ज्यादा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग हाइपोकोटाइल देखने को मिलता है। तो इस हाइपोकोटाइल के हिसाब से ही हमने इस जीन का नाम क्या रख दिया, एच वाई रख दिया, और ऐसे प्लांट कहलाते हैं हाई प्लांट्स, एच वाई प्लांट्स। तो अब इनको लाइट दो भी, अगर एच वाई प्लांट को लाइट दोगे तो भी लाइट का कोई सिम्टम देखने को मिलेगा क्या, नहीं, वहां पे हमेशा इटियोलेशन देखने को मिलेगा।
कभी भी वहां पे डी इटियोलेशन नहीं होगा। अब इटियोलेशन तो समझ में आ गया कि इटियोलेशन का मतलब यह है कि प्लांट लाइट के एब्सेंट में ग्रो हो रहा। डी इटियोलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? तो जब हमने क्या किया, इटियोलेटेड प्लांट को जब हम लोग ले जाके लाइट में दे देते हैं, क्या कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इटियोलेटेड प्लांट था, उस इटियोलेटेड प्लांट को हमने लाइट दे दी, और जैसे ही इटियोलेटेड प्लांट को लाइट मिलेगी, प्लांट इटियोलेशन के सिम्टम्स को छोड़ देगा, और इटियोलेशन का सिम्टम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, डी इटियोलेट हो जाएगा, नॉर्मल ग्रो करने लगेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसको कहा जाता है डी इटियोलेशन, इसे ही क्या कहा जाएगा, डी इटियोलेशन कहा जाएगा। समझ में आ गया ये चीज, इटियोलेशन और डी इटियोलेशन किसको कह रहे हैं, इटियोलेशन के सिम्टम क्या होते हैं मोनोकॉट्स में, और इटियोलेशन के सिम्टम क्या होते हैं डाइकॉट्स में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो प्रोटीन कौन से हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन प्रोटीन को कहा जाता है फोटो रिसेप्टर प्रोटीन। हमारे पास चार तरीके के फोटो रिसेप्टर्स हैं। पहले तरीके का फोटो रिसेप्टर कहलाता है फाइटोक्रोम। ये जो फाइटोक्रोम नाम के प्रोटीन्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब रेड एंड फॉर रेड लाइट। ये रेड साथ ही साथ फॉर रेड लाइट को क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो लाइट में भी तुमको पता है कि अलग अलग तरीके का स्पेक्ट्रम होता है, तो वो स्पेक्ट्रम जो कि रेड कलर में दिखे और फॉर रेड कलर में हमको हमारा लाइट हो, तो उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का काम, उस लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनको कहा जाता है फाइटोक्रोम। लेकिन ये जो फाइटोक्रोम होते हैं, रेड और फॉर रेड के अलावा बहुत कम अमाउंट में ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, इन वेरी फ्यू अमाउंट दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वेरी लेस अमाउंट ऑफ द ब्लू लाइट, ठीक, दे आर फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स के बाद जो दूसरे तरीके के प्रोटीन हैं उनको कहा जाता है फोटोट्रॉपिन्स। क्या कहा जाता है, फोटोट्रॉपिन्स कहा जाता है। और ये जो फोटोट्रॉपिन्स होते हैं, ये वो प्रोटीन होते हैं जो मेनली ब्लू कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो फोटोट्रोपिन्स होते हैं मेनली ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस फोटोट्रोपिन में एक को फैक्टर प्रेजेंट होता है जो होता है FAFMN। क्या होता है, को फैक्टर होता है, उसे कहा जाता है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तीसरे तरीके का जो फोटो रिसेप्टर होता है उसे कहा जाता है क्रिप्टो क्रोम। क्या कहा जाता है, क्रिप्टो क्रोम कहा जाता है। और ये जो क्रिप्टो क्रोम्स होते हैं, ऐसे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लू लाइट और यूवी लाइट को रिसीव करते हैं। तो क्रिप्टोक्रोम्स जो हुए हैं वो कौन कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एक तो ब्लू लाइट को और दूसरी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और इनमें जो को फैक्टर पाया जाता है वो होता है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो क्रिप्टोक्रोम के पास प्रेजेंट होता है FAD जो कि ब्लू लाइट और यूवी लाइट को अपटेक करवा सकता है। इसके पास जो चौथे कलर, चौथे टाइप का
फोटो रिसेप्टर्स होता है, उनको कहा जाता है जिट ल्यूप फैमिली रिसेप्टर, जिट ल्यूप फैमिली रिसेप्टर प्रोटीन। और ये जो जिट ल्यूप फैमिली रिसेप्टर के प्रोटीन्स होते हैं, ये भी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये तो बेसिक डिटेल हो गया कि कौन कौन से प्रोटीन कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब इन चीजों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये जो फाइटोक्रोम्स होते हैं रेड और फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके कौन कौन से तरीके के इफेक्ट देते हैं, किस तरीके का सिम्टम शो कराते हैं प्लांट में, कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फाइटोक्रोम्स के बारे में। हम फाइटोक्रोम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और फाइटोक्रोम्स के बारे में जैसे कि हम बोल चुके हैं, ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, रेड और फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये जो फाइटोक्रोम के स्ट्रक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे फिर आगे चीज़ें समझते चले जाएंगे। ये जो फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। पहला पार्ट तो है प्रोटीन पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है वो है लिपिड पार्ट। पहला पार्ट जो है वो प्रोटीन पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन या फिर लिपिड वाला पार्ट है। अब ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है इसे कहा जाता है एपोप्रोटीन। प्रोटीन वाला पार्ट जो है वो कहलाता है एपोप्रोटीन, और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उसको कहा जाता है क्रोमोफोर। और क्रोमोफोर के अलावा इसे कहा जाता है फाइटोक्रोमोबिलिन। इन्हें फाइटोक्रोमोबिलिन्स भी कहा जाता है। अब देखो ये जो प्रोटीन वाले पार्ट होते हैं दे आर कैटालिटिक पार्ट। कैटालिटिक पार्ट मतलब इसका जो भी काम है वो प्रोटीन वाला पार्ट करेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन वाला क्रोमोफोर है, देखो क्रोमो और फोर, क्रोमो का मतलब कलर और फोर का मतलब कैप्चर करने वाला, तो लाइट को कैप्चर करने का काम किसका होता है, इस क्रोमोफोर ग्रुप का होता है। तो क्रोमोफोर का काम होगा लाइट एब्जॉर्ब करना, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोटीन वाले पार्ट को सिग्नल दे देना ताकि ये प्रोटीन वाला पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इतनी सी बात है। साथ ही साथ दूसरी बात जो होती है ये डाइमर होता है। ये प्रोटीन क्या होता है, डाइमर होता है। किसका डाइमर, प्रोटीन का भी डाइमर और हाइड्रोकार्बन का भी। तो प्रोटीन और हाइड्रोकार्बन मिलके मोनोमर बनाएंगे, और ऐसे दो मोनोमर्स मिलके क्या हो जाएंगे, तो प्रोटीन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ये दोनों मिलके मोनोमर बनाएंगे, और ऐसे दो मोनोमर मिलके फंक्शनल फाइटोक्रोम का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले प्रोटीन और हाइड्रोकार्बन्स मिलके एक मोनोमर बनाएंगे, ऐसे दो मोनोमर्स मिलके एक फंक्शनल फाइटोक्रोम का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो सिंगल मोनोमर होता है इसका मॉलिकुलर वेट होता है 125 किलो डाल्टन। ये जो मोनोमर है इसका मॉलिकुलर वेट है 125 किलो डाल्टन। अब 125 किलो डाल्टन के दो सब यूनिट आके एक साथ मिल जाएं तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो फंक्शनल प्रोटीन का होता है वो निकल के आता है 250 किलो डाल्टन। यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो चलो।
क्रोमोफोर ग्रुप को थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज लिख लेते हैं यहीं पे। ये जो हमारा एपोप्रोटीन होता है, इसकी सिंथेसिस होती है बाय द न्यूक्लियर जीन। इसकी सिंथेसिस किसके द्वारा होती है? न्यूक्लियर जीन के द्वारा होती है। तो दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम न्यूक्लियर जीन। जबकि जो हमारा क्रोमोफोर ग्रुप होता है, इसका सिंथेसिस होता है इन द क्लोरोप्लास्ट और रूट प्लास्टिड। अल्टीमेटली बोले तो प्लास्टिड में इसकी बायोसिंथेसिस होती है। अगर प्लास्टिड ग्रीन है तो वो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन नॉन ग्रीन है तो रूट प्लास्टिड उसको कहा जाएगा, या तो फिर अदर प्लास्टिड कहा जाएगा। तो ये चीज हो गई। अब क्रोमोफोर के बारे में समझते हैं कि क्रोमोफोर बनता कैसे है। ये जो क्रोमोफोर होता है, क्रोमोफोर की सिंथेसिस कैसे होगा? आराम से होगा हमारे प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में। तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का या फिर प्लास्टिड का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूटामेट और सक्सिनिल को एंजाइम ए मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे कहा जा रहा है 5-एमिनो लेबुलिनिक एसिड, लेबु लिनिक एसिड। और ये जो 5-एमिनो लेबुलिनिक एसिड होता है, हमारा क्रोमोफोर इससे बनता है। तो क्रोमोफोर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ए प्रिकर्सर नोन एज 5-एमिनो लेबुलिनिक एसिड विथ इन द क्लोरोप्लास्ट। अब एक बार जब क्लोरोप्लास्ट में ये बन गया तो क्लोरोप्लास्ट से ये बाहर आएगा, और बाहर आएगा बाय द सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे किसी भी तरीके की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रोमोफोर यहाँ पे बन रहा है, हाइयर अमाउंट में है, वो डिफ्यूज होके कहाँ पे आ जाएगा? साइटोसोल में आ जाएगा। और साइटोसोल में जब एक बार वो आ गया, तो दूसरे तरफ ये भी देख लेते हैं हमारा एपोप्रोटीन कहाँ बन रहा है। तो देखो एपोप्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए, और डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ जीन। फॉर एग्जांपल ये जो जीन है वो है क्रोमोफोर का जीन। क्या है ये जीन जो है वो किसका है? क्रोमोफोर का। तो तुमको पता है ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से एमआरएनए आ जाएगा बाहर साइटोसोल में, और इससे प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? एपोप्रोटीन बोल रहे हैं। अब क्रोमोफोर भी पहुंच गया हमारे साइटोसोल में और एपोप्रोटीन भी पहुंच गया साइटोसोल में। तो जैसे ही ये दोनों यहाँ साइटोसोल में पहुंचते हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस के द्वारा, बिना किसी एनर्जी को लगाए ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस होगा। और ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा, क्रोमोफोर 5-एमिनो लेबुलिनिक एसिड से, या फिर सीधा सीधा एमिनो लेबुलिनिक एसिड से बना क्लोरोप्लास्ट में। एपोप्रोटीन का जीन न्यूक्लियस में था, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद एपोप्रोटीन बना, और ये एपोप्रोटीन क्रोमोफोर के साथ जाके ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस के द्वारा फ्यूज हो गया, और एक फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, फंक्शनल फाइटोक्रोम का फॉर्मेशन हो गया। अब क्रोमोफोर जो ग्रुप होता है, उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और जो हमारा प्रोटीन वाला ग्रुप होता है उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इतना चीज लिख लिए हो?
यस और नो? सर। चलो अब हम लोग क्रोमोफोर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं। क्रोमोफोर को याद करो, हमने बोला था फाइटोक्रोमोबिलिन और बिली प्रोटीन। फाइटोक्रोमोबिलिन के बारे में जब हम लोग प्लांट के रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे तब भी बात किए थे कि यहाँ पे क्या होते हैं, पायरोल रिंग होते हैं चार, टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये टेट्रा पायरोल जो होता है वो रिंग फॉर्म में नहीं पाया जाता। किस फॉर्म में पाया जाता है? तो वो लीनियर फॉर्म में टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर होता है। टोटल देखोगे तो ये हो गया तुम्हारा 20 कार्बन का, इसमें ये हो गया तुम्हारा 5वां कार्बन, ये हो गया 10वां कार्बन, ये हो गया 15वां कार्बन और आगे ये हो गया 20वां कार्बन। यहाँ पे 14 कार्बन, 15 कार्बन और 16 कार्बन इम्पोर्टेंट कार्बन है। रीजन क्या है? तो सिंपल सा चीज देखो, यहाँ पे तीन जगहों पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अच्छा, दूसरा बात क्या होता है कि ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सल्फर, क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। और ये जो सल्फर होता है एपोप्रोटीन के ऊपर सिस्टीन नाम का एमिनो एसिड होता है, उससे जुड़ जाता है। तो जो हमारा क्रोमोफोर होता है, क्रोमोफोर जुड़ा हुआ होता है एपो प्रोटीन के साथ सिस्टीन से, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है थायो इथर बॉन्ड। क्या कहलाता है ये बॉन्ड? ये बॉन्ड कहलाता है थायो इथर बॉन्ड। तो क्रोमोफोर इज कनेक्टेड टू एपो प्रोटीन वे सिस्टीन बाय थायो इथर बॉन्ड। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कुछ ऐसा कर लेते हैं, किसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा बना रहे हैं। ये हो गया प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर थायो ईथर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है क्या हमारा? क्रोमोफोर। तो ये बन गया क्रोमोफोर। क्रोमोफोर में तीन इंपॉर्टेंट कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन नंबर 14, कार्बन नंबर 15 और कार्बन नंबर 16। हमने क्या बोला कि कार्बन नंबर 15 और कार्बन नंबर 16 के बीच में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट। और कार्बन नंबर 14 और कार्बन नंबर 15 के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। और तुमको पता है कि जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे रोटेशन अलाउड होता है। क्या होता है? जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे रोटेशन अलाउड होता है। और ये जो 15वें और 16वें नंबर का कार्बन है उसके ऊपर जुड़ा हुआ होता है हमारा ये वाला रिंग, दिख रहा है? इस रिंग को हम लोग ऐसे दिखाएं, 15वें नंबर पे ये वाला रिंग जुड़ा हुआ है और 16वें नंबर से ये वाला रिंग। अब देखो, जब दोनों के दोनों रिंग एक साइड है तो ये कंडीशन कौन सा कहलाएगा? दिस इज सिस स्टेट। जब दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसे कहा जाता है सिस। अब देखो, जब ये सिस वाले स्टेट में होता है तब ये क्या कर सकता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन सी लाइट? रेड लाइट। और जैसे ही इसके ऊपर रेड लाइट पड़ेगा ना, रेड लाइट पड़ने की वजह से यहां पे 14वें और 15वें कार्बन के बीच में रोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 14 और कार्बन नंबर 15 के बीच में बॉन्ड और बॉन्ड ने रोटेशन देखने को मिलेगा। अब जब 14 और 15 के बीच में बॉन्ड का रोटेशन होगा तो 15वां कार्बन का ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है
वो घूम के कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, यस और नो? जैसे इस स्ट्रक्चर को हम लोग बनाए ऐसे। 14, ये हो गया 15, और ये हो गया हमारा 16। अब जब 14वें और 15वें के बीच में बॉन्ड का रोटेशन हुआ, तो अभी तक 15वें वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप इस डायरेक्शन में था, और बॉन्ड रोटेशन के बाद वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड का कंडीशन है, वो बॉन्ड का कंडीशन कैसा हो जाएगा, ट्रांस स्टेट आ जाएगी। ट्रांस स्टेट किसको कहा जाता है, तो ट्रांस स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे होते हैं। तो ये रहा, यही सेम प्रोटीन है ये। लेकिन तुमको तो पता ही है कि जो लाइट होती है वो प्रोटीन के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं की जाती। किसके द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है? क्रोमोफोर के द्वारा। तो जब तक वो सिस स्टेज में होता है, जब तक वो कौन से स्टेज में होता है, सिस, वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगर क्रोमोफोर जो है वो अगर सिस कंडीशन में है तो रेड लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जैसे ही क्रोमोफोर जो होता है वो रेड लाइट को एक बार एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जैसे ही वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 14वें और 15वें कार्बन के बीच में बॉन्ड का रोटेशन होगा, और 15वें और 16वें कार्बन के बीच में आइसोमेराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15वें और 16वें कार्बन के बीच में आइसोमेराइजेशन हो जाएगा, और ड्यू टू आइसोमेराइजेशन ये सिस स्टेज से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रांस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? फॉर रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज कि अब जब एक बार ट्रांस कंडीशन आ गई तो ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा फॉर रेड लाइट को। मतलब यही प्रोटीन जो है वो दो तरीके की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, रेड लाइट को और फॉर रेड लाइट को। तो वो वाला प्रोटीन जो कि फाइटोक्रोम है और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसे कहा जाता है पीआर। अब पीआर में तुमको पता है कौन सा कंडीशन होता है? सिस कंडीशन। और जैसे ही ये पीआर जो होगा वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के कारण ये पीआर का सिस स्टेट जो है वो ट्रांस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रांस स्टेट में हमारा जो प्रोटीन है वो अब रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? तो फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब इस प्रोटीन को पीआर नहीं, क्या कहा जाएगा? पीएफआर कहा जाएगा। और जैसे ही ये फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वापस 14वें और 15वें कार्बन के बीच में बॉन्ड का रोटेशन होगा, और जो हमारा ट्रांस स्टेट है वो वापस सिस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वापस फिर से रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता। तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले प्रोटीन को पीआर कहा हमने, और फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले प्रोटीन को हमने पीएफआर का। समझ में आ रहा है ये चीज? ये जो रेड लाइट होता है, 660 nm तक की लाइट को क्या कहा जाता है? रेड लाइट कहा जाता है। वहीं पे जब 660 से बढ़ के 730 nm की लाइट हो तो उसे कहा जाता है फॉर रेड लाइट। अब ये चीज तो तुम लोग मेजर नहीं कर सकते हो, तो अगर समझो क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि लाइट प्रेजेंट है, तो तुम सीधा सीधा समझोगे कि रेड लाइट की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि डे टाइम है, तो भी समझेंगे कि क्या कौन सा कंडीशन है, रेड लाइट प्रेजेंट है। और जब भी हम बोलेंगे कि डार्क है या फिर नाइट कंडीशन है, तो हम लोग को समझ जाना है कौन सी लाइट प्रेजेंट है यहाँ पे, फॉर रेड लाइट प्रेजेंट है।
तो अगर लाइट या फिर डे टाइम की बात हो रही है तो उस टाइम रेड लाइट प्रेजेंट होता है, डार्क या फिर नाइट टाइम की बात हो रही है तो वहां पे फॉर रेड लाइट प्रेजेंट होता है। जब रेड लाइट जो फाइटोक्रोम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो कहलाता है पीआर, और पीआर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है। पीएफआर वापस फॉर रेड लाइट को कन्वर्ट करके कौन से कंडीशन में आ जाता है, सिस कंडीशन में आ जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बायोलॉजिकल फंक्शन कौन करेगा, तो जो ट्रांस स्टेट होता है इट इज बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, ट्रांस स्टेट यानी कि पीएफआर वाला स्टेज होता है। तो पीएफआर इज ऑलवेज बायोलॉजिकली एक्टिव, जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो पीएफआर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इतनी तक की चीजें समझ में आ गई कि ये जो हमारा क्रोमोफोर होता है इसके पास लीनियर टेट्रा पाइरोल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, लीनियर टेट्रा पाइरोल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 14वें और 15वें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 15वें और 16वें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब तक ये जो होता है यहाँ पे 15वें और 16वें कार्बन के बीच में, ये जो क्रोमोफोर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसे कहा जाता है सिस स्टेट। जब ये सिस स्टेट होती है तो ये रेड लाइट मतलब 660 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसकी एनर्जी के कारण 14वें और 15वें कार्बन के बीच में बॉन्ड का रोटेशन होगा, और 14वें और 15वें कार्बन के बीच में बॉन्ड का रोटेशन होने की वजह से 15वें और 16वें कार्बन के बीच में आइसोमेराइजेशन हो जाएगा और सिस स्टेट जो है वो ट्रांस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो ट्रांस स्टेट होता है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब ना करके फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, और फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके वापस पीआर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां तक चीजें लिख लिए हो गए तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा हमारा पीआर और ये हो गया पीएफआर। हमने क्या बोला कि डे टाइम पे रेड लाइट प्रेजेंट होगी तो पीआर वाला जो प्रोटीन है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं तो नाइट के टाइम पे पीएफआर वाला प्रोटीन जो है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीआर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर डार्क कर दो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डार्क कंडीशन अगर मेंटेन कर दो तो डार्क कंडीशन में क्या होगा, पी एफ आर अपने आप पी आर कंडीशन में चला जाएगा। डार्क मतलब इफ लाइट इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्या ऑलवेज पी आर जो होगा वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और पी एफ आर जो है वो ऑलवेज फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो आंसर है नहीं। कुछ पी आर जो है वो रेड के साथ ही साथ फॉर रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और कुछ पी एफ आर जो होते हैं वो फॉर रेड के अलावा रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो तुम एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ग्राफ बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ग्राफ बना लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे ठीक ग्राफ कुछ ऐसा बना रहे हैं, इधर हम लोग वाई एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ ले रहे हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं ब्लू लाइट की, यहां पे हम बात कर रहे हैं रेड लाइट की, और यहां पे बात कर रहे हैं फॉर रेड लाइट की। देखो जो पीआर वाला प्रोटीन होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो शो करता है रेड लाइट के ऊपर, दिख रहा होगा तुम लोगों को। यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है पीआर वाला कौन से लाइट पे अपटेक कर रहा है, रेड लाइट पे कर रहा है। वहीं पे अगर पीएफआर वाले की हम बात करें तो जो पीएफआर वाला होता है
वो अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कर रहा होता है, PFR वाला अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है फॉरवर्ड। लेकिन तुमको एक और इंटरेस्टिंग सा चीज देखने को मिल रहा होगा, और वो इंटरेस्टिंग सा चीज ये है कि ये जो चाहे PR हो चाहे PFR हो, वो ब्लू लाइट में भी कुछ एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो फाइटोक्रोम जो होते हैं वो रेड फॉरवर्ड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके अलावा ये लोग बहुत कम अमाउंट में क्या कर रहे होते हैं, ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं पे एक और चीज लिख लेना है, ग्राफ बना लिए क्या? यस और नो जल्दी बोलो तो एक बार। नहीं बनाया हो तो यस सर। थोड़ा सा, हाँ तो थोड़ा सा चेंज करना है फिर इसको, गलत हो गया, फिर से बना लो। गलत क्या हुआ है कि ये जो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा इसलिए रहेगा क्योंकि यहां पे देखो ये जो PR वाला प्रोटीन है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो रेड लाइट पे दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन कुछ हद तक वो फॉरवर्ड लाइट को भी क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं पे जो PFR वाला फॉर्म होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो फॉरवर्ड लाइट पे करता है, लेकिन कुछ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रेड लाइट पे भी दिखा रहा होता है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, PR and PFR also absorb some blue light। पहला बात तो ये चीज समझ में आ गया कि PR और PFR कुछ ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। इसके अलावा जो होता है दूसरी बात ये होती है कि जो PR होता है कुछ हद तक फॉरवर्ड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो PR ऑल्सो एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड लाइट। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो PFR होता है ऑल्सो एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ रेड लाइट। PR जो होता है वो कुछ हद तक फॉरवर्ड लाइट को भी अब्जॉर्ब कर रहा होता है, और जो PFR होता है वो कुछ हद तक रेड लाइट को भी अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो देखो चाहे दिन हो तो दिन के दौरान पूरा का पूरा PR जो है PFR में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि कुछ PR जो होते हैं वो फॉरवर्ड लाइट को एब्जॉर्ब करके वापस PR वाले फॉर्म में भी आ सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, देखो अब दिन का टाइम है तो दिन के टाइम पे ये होना चाहिए कि जो PR वाला है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता, और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, PFR में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन कुछ PR जो होते हैं वो फॉरवर्ड लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और फॉरवर्ड लाइट को एब्जॉर्ब करके कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि दिन के दौरान PR वाला फॉर्म भी होता है और PFR वाला फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। वहीं पर रात में क्या होना चाहिए था, रात में पूरा का पूरा PFR जो है वो PR में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन हमको पता है कि PFR जो है वो फॉर रेड के अलावा रेड लाइट को भी अब्जॉर्ब करता है। तो रात के टाइम पे पूरा का पूरा PFR भी जो है वो PR में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ अमाउंट में PFR प्रेजेंट ही होता है। समझ में आया चीज?
तो एक ऐसी स्थिति बनती है जिसको कहा जाता है स्टेशनरी स्टेट। क्या आता है? एक स्टेशनरी स्टेट देखने को मिलता है हमको। इस चीज को हम लोग यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक टेबल बना रहे हैं। अब टेबल में हमने क्या किया है? तीन कॉलम बना लिए और उसको डिवाइड कर दिया। यहां पे इस कॉलम में हम बात कर रहे हैं पी आर की, और यहां पे हम बात कर रहे हैं पी एफ आर की। यहां पे हम बोल रहे हैं कि 660 नैनोमीटर की लाइट पड़ रही है, और यहां पे हम बोल रहे हैं 730 नैनोमीटर की लाइट पड़ रही है। अब हमने क्या बोला कि जब 660 नैनोमीटर की लाइट है मतलब कंप्लीट रेड लाइट है, तो कंप्लीट रेड लाइट के प्रेजेंस में होना तो ये चाहिए था कि पी आर कंप्लीट पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन जैसा हमने ऊपर देखा कि कुछ पी आर जो होते हैं वो फॉर अब दिन के टाइम पे कुछ अमाउंट में फॉर रेड लाइट भी प्रेजेंट होता है, तो पी एफ आर वापस फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके कौन से कंडीशन में आ जाएगा? पी आर वाले कंडीशन में आ जाएगा। तो दिन के टाइम पे जो 80% ऑफ द पी आर होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करके कौन से कंडीशन में आ जाते हैं? पी एफ आर वाले स्टेज में। लेकिन 20% लोग जो होते हैं वो वापस कौन से स्टेज में रहते हैं? पी आर वाले स्टेज में ही रहते हैं। तो एक स्टेशनरी स्टेज बना दिन के दौरान पे, एक स्टेशनरी स्टेज बना स्टेट बना जिसमें 20% पी आर के फॉर्म में है और 80% पी एफ आर के फॉर्म में। वहीं पर रात में मतलब फॉर रेड लाइट की बात हो रही है, तो उस केस में होना ये चाहिए थे कि पूरा का पूरा पी एफ आर पी आर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि 97% लोग तो कन्वर्ट हो जाते हैं पी आर में, 3% लोग अभी भी कौन से फॉर्म में होते हैं? पी एफ आर वाले फॉर्म में होते हैं। अब तुमको ये चीज तो पता है कि बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म कौन सा है? पी एफ आर। तो क्या देख रहे हो तुम लोग कि दिन के दौरान टोटल फाइटोक्रोम में से 80% जो लोग हैं वो एक्टिव स्टेज में रहते हैं, और रात के टाइम 3% लोग जो होते हैं वो एक्टिव स्टेज में रहते हैं। पी एफ आर जो है वो कौन सा स्टेज है? बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। तो तुम लोग इस टेबल से आराम से समझ सकते हो कि दिन के दौरान 80% जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कौन से कंडीशन में? पीएफआर वाले कंडीशन में, जबकि रात के दौरान 3% लोग जो होते हैं वो पीएफआर वाले कंडीशन में होते हैं। लेकिन अब तुम लोग ये चीज सोचोगे कि दिन के दौरान जब पूरा का पूरा रेड लाइट है तो पूरे के पूरे पीआर को पीएफआर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। देखो, रेड के साथ कुछ अमाउंट में फॉर रेड लाइट भी होता है जिसको एब्जॉर्ब करके पीएफआर जो होता है वो पीआर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर पीआर जो होते हैं कुछ प्रोटीन फॉर रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं, रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो वो उसी कंडीशन में बने रहते हैं। जबकि फॉर रेड लाइट के प्रेजेंस में होना ये चाहिए था कि पूरे के पूरे पीएफआर को पीआर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3% लोग ऐसे बचते हैं जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में बने रहते हैं। तो ये वाला जो स्टेटस है इसको हम कहते हैं फोटो स्टेशनरी स्टेटस। क्या कहते हैं हम लोग उसको? फोटो स्टेशनरी स्टेटस कहते हैं। फोटो स्टेशनरी स्टेटस मतलब लाइट है तो उस केस में कितना परसेंट पी एफ आर एक्टिव है, और डार्क है तो कितना एक्टिव है। एक ऐसा कंडीशन हो गया जो इक्विलिब्रियम वाला स्टेज आ गया है, अब उससे ज्यादा पी आर पी एफ आर में कन्वर्ट नहीं हो सकता और पी एफ आर वापस पी आर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, वो स्टेट कहलाता है फोटो स्टेशनरी स्टेट। अब दूसरी बात यह है कि 100% में से कितने पी एफ आर एक्टिव है उनको कहा जाता है फाइटोक्रोम एक्शन। नेक्स्ट चीज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फाइटो
क्रोम एक्शन पढ़ रहे हैं। फाइटोक्रोम एक्शन को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फाइटोक्रोम एक्शन का फॉर्मूला सिंपल सा है, नीचे में होता है टोटल फाइटोक्रोम और ऊपर में होता है बायोलॉजिकली एक्टिव फाइटोक्रोम। टोटल फाइटोक्रोम में से कितने जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव फाइटोक्रोम्स हैं, तो इस चीज को तो हम लोग इसी टेबल में भी निकाल सकते हैं। यहां पे हम लोग फाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा चीज बताओ, टोटल फाइटोक्रोम तो हो गया है यहाँ पे 100%, 80 और 20 मिला के 100, और 100 में से एक्टिव फॉर्म कितना है? 80। तो दिन के टाइम पे जो फाइटोक्रोम एक्शन है उसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाती है? 0.8। कितनी आ जाती है? 0.8 आ जाती है। वहीं पे जब रात के टाइम पे बात कर रहे हैं हम लोग, रात के टाइम पे भी 97 और 3 मिला के टोटल फाइटोक्रोम तो है 100, लेकिन उसमें से एक्टिव कितने हैं? ओनली 3%। तो फाइटोक्रोम का एक्शन निकल के आ जाता है 0.03। तो रात के टाइम पे ये हो गया फाइटोक्रोम एक्शन की वैल्यू। अब इतना इसलिए आ रहा है फाइटोक्रोम का एक्शन का वैल्यू क्योंकि ना तो दिन के दौरान कंप्लीट पीआर पीएफआर में कन्वर्ट होता है, ना तो रात के टाइम पे कंप्लीट पीएफआर पीआर में कन्वर्ट। दिन के टाइम पे 80% पीएफआर वाला स्टेज देखने को मिलेगा, लेकिन 20% जो कंडीशन है वो पीआर वाला भी देखने को मिलेगा। जबकि रात के टाइम पे पीआर वाला कंडीशन 97 है, पीएफआर वाला 3% है। रीजन ये है कि हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि पीआर कुछ हद तक पीएफआर को एब्जॉर्ब कर सकता है और पीएफआर कुछ हद तक पीआर को, सॉरी, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके कारण एक स्टेशनरी स्टेटस आ जाता है, स्टेशनरी स्टेज आ जाता है, उससे ज्यादा फाइटोक्रोम्स एक्टिव नहीं हो सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग फोटो स्टेशनरी स्टेट। समझ में आया इतना चीज? तो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा थोड़े से और आगे की बात करते हैं। ये तो बात हुई किसकी? तुम्हारे क्रोमोफोर वाले ग्रुप की। दूसरी तरफ देखो हुआ क्या है, अभी तक एक एपोप्रोटीन बना था न्यूक्लियस से, एक बना था क्रोमोफोर। एपोप्रोटीन कहाँ बना? सॉरी, एपोप्रोटीन सिंथेसिस बाय द न्यूक्लियस। जबकि क्रोमोफोर का सिंथेसिस कहाँ हुआ? इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से ये डिफ्यूजन के थ्रू निकला और ये तो साइटोसोल में था ही, दोनों के दोनों ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस से जुड़ गए। और जब ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस से ये दोनों के दोनों जुड़ गए तो होगा क्या कि पहले तो एपोप्रोटीन और क्रोमोफोर मिलके क्या बनाएंगे? एक सिंगल सब यूनिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक मोनोमर बनाएंगे। और ऐसे मोनोमर्स मिलके क्या बनाएंगे? डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे और ये डाइमर जो है वो कहलाएगा होलो एंजाइम। ये डाइमर क्या कहलाएगा? तो ये डाइमर कहलाएगा होलो एंजाइम। तो देखो प्रोटीन जब तक अपने क्रोमोफोर ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा हुआ था उसको एपो एंजाइम या फिर एपो प्रोटीन कहा जाएगा, और जैसे ही प्रोटीन अपने क्रोमोफोर के साथ फंक्शनल स्टेज में आ जाएगा तो उसे होलो प्रोटीन या फिर होलो एंजाइम कहा जाएगा।
अब क्रोमोफोर की तो बात कर ली थी हमने, प्रोटीन वाले पार्ट की भी बात कर लेते हैं। अब देखो, जो प्रोटीन होता उसमें दो टर्मिनस होते हैं, एक तो एन टर्मिनस होता है और एक सी टर्मिनस होता है। अब एन टर्मिनस के ऊपर जो डोमेन है उसे कहा जाता है एन टर्मिनल डोमेन, और जो सी टर्मिनस पे है तो उसे कहा जाता है सी टर्मिनल डोमेन। दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग अलग है, एन टर्मिनल डोमेन पे अलग टाइप की चीजें पाई जाती हैं और सी टर्मिनल डोमेन पे अलग टाइप की चीजें पाई जाती हैं। चलो समझो क्या होता है। एन टर्मिनल डोमेन की अगर बात करो तो एन टर्मिनल डोमेन के ऊपर क्या पाया जाता है, क्रोमोफोर बाइंडिंग साइट पाई जाती है। क्या पाया जाता है, क्रोमोफोर बाइंडिंग साइट, मतलब क्रोमोफोर जिस सिस्टीम से आके बाइंड होता है वो प्रेजेंट होता है तुम्हारे एन टर्मिनस पे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये रहा सिस्टीन, इसी सिस्टीन से आके कौन बाइंड करेगा, हमारा क्रोमोफोर बाइंड करेगा। दूसरा एक कंजर्व सीक्वेंस होता है जिसे कहा जाता है PEST साइट। अब प्रोटीन का सिंगल लेटर कोड तुमको याद होगा तो पी का मतलब भी पता होगा, ई का मतलब भी पता होगा, एस का मतलब भी पता होगा और टी का मतलब भी पता होगा। कौन बताएगा, पी का मतलब, पी इज द सिंगल लोड, सिंगल पी मीन्स प्रोलीन, ई का मतलब, ई का मतलब का मतलब ग्लूटामेट। ई का मतलब क्या है, ग्लूटामेट। एस का मतलब सेरिन और टी का मतलब थ्रियोनिन। तो चार एमिनो एसिड का कंजर्व सीक्वेंस होता है यहां पे PEST। अब ये जो PEST सीक्वेंस है ना, थोड़ा खतरनाक सीक्वेंस है। क्यों खतरनाक सीक्वेंस है, क्योंकि अगर एन टर्मिनस पे जो सिस्टीन है उसके ऊपर क्रोमोफोर जुड़ गया तो ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्रोमोफोर नहीं जुड़ पाया तो इस PEST साइट के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, यूबीक्यूटेन ऐड कर दिया जाएगा। अगर प्रोटीन नॉन फंक्शनल निकला तो इस PEST साइट के ऊपर यूबीक्यूटीन जोड़ दिया जाएगा और ये प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ प्रोटीन इज नॉन फंक्शनल, हम इसके ऊपर यूबीक्यूटेन ऐड कर देंगे। और यूबीक्यूटेन को ऐड करने के बाद इसको 26S प्रोटियाजोम के अंदर डिग्रेड कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात, जब तक प्रोटीन फंक्शनल है तब तक अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही प्रोटीन नॉन फंक्शनल हुआ उसके ऊपर यूबीक्यूटीन जोड़ा जाएगा, पॉली यूबीक्यूटीन जोड़ा जाएगा, एक ही यूबीक्यूटीन नहीं, पॉली यूबीक्यूटीन जोड़ा जाएगा, बहुत सारी यूबीक्यूटीन जोड़े जाएंगे, जिसके कारण ये जो है वो 26S प्रोटियाजोम में जाके डिग्रेड हो जाएगा। जबकि सी टर्मिनल डोमेन पे क्या प्रेजेंट है वो चीज देखो। सी टर्मिनल डोमेन पे एक तो प्रेजेंट होती है डाइमेराइजेशन साइट, डाइमेराइजेशन साइट मतलब हमने देखा ना अभी कि दो सिंगल सिंगल सब यूनिट वाले लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके होलो एंजाइम बनाएंगे, तो डाइमराइजेशन तो होगा, और डाइमराइजेशन कहां से होगा, सी टर्मिनस डोमेन के ऊपर होगा। और साथ ही साथ इसके पास काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काइनेज एक्टिविटी।
कौन सी काइनेज एक्टिविटी? तो सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी देखने को मिलती है हमको। सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी का मतलब है कि ये प्रोटीन जो है वो सेरिन और थ्रियोनिन के ऊपर क्या कर सकते हैं, फॉस्फेट जोड़ सकते हैं। वहीं पे अगर एन टर्मिनल डोमेन का मॉलिकुलर वेट देखो तो वो निकल के आता है 70 किलो डाल्टन, और सी टर्मिनल डोमेन का मॉलिकुलर वेट निकल के आता है 55 किलो डाल्टन। दोनों को जोड़ दो तो वो निकल के आ जाता है 125 किलो डाल्टन, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं सिंगल सब यूनिट की बात। तो अब होगा क्या, सेम इसी चीज को देख लो यहाँ पे। अच्छा, और ये जो बीच वाला रीजन, पेस्ट मतलब पेस्ट साइड में म्यूटेशन होगा तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। नहीं, पेस्ट साइट में नहीं, पेस्ट साइट पे म्यूटेशन हो गया तो उसको हाँ बोल सकते हो, अगर पेस्ट साइट में म्यूटेशन हो गया तो भी नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, और अगर क्रोमोफोर उसके ऊपर बाइंड नहीं कर पाया तो भी नॉन फंक्शनल प्रोटीन पेस्ट साइड पे तो सर ये जो पेस्ट साइड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता बनेगा, एन टर्मिनस के ऊपर। एंटरव्यूज, और वो पेस्ट से ही क्रोमोफोर बाइंड करता है। नहीं, पेस्ट से नहीं बाइंड करता है, एक सिस्टीन है यहाँ पे उससे बाइंड करता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कि ये रहा सिस्टीन, इस सिस्टीन से बाइंड करेगा तुम्हारा क्रोमोफोर। फिर यहाँ पे पेस्ट लिखे हैं। पेस्ट इसलिए लिखे हैं कि अगर क्रोमोफोर बाइंड नहीं कर पाया और प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो गया तो उसके ऊपर यूबीक्यूटिन जोड़ के हमको डिलीट कर देना। पेस्ट साइट एक इम्पॉर्टेंट साइट है इसके ऊपर, अगर पेस्ट साइट में म्यूटेशन हो गया तो भी नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। दूसरी बात, अगर सिस्टीन के ऊपर क्रोमोफोर आके नहीं जुड़ा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये रहा क्रोमोफोर, तो क्रोमोफोर सिस्टीन के ऊपर आके नहीं जुड़ा तो भी पेस्ट के ऊपर क्या होगा, यूबीक्यूटिन जोड़ा जाएगा और उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। जब इसके ऊपर क्रोमोफोर जुड़ेगा तो क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज होगा और पेस्ट साइट जो है वो अंदर की तरफ छिप जाएगी, और पेस्ट साइट जब अंदर की तरफ छिप जाएगी तो उसके ऊपर हम लोग यूबीक्यूटिन ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया मोनोमर। अब ये जो मोनोमर होता है, एक और मोनोमर के साथ जाके बाइंड करता है, उस मोनोमर के पास भी क्या प्रेजेंट होगा, सिस्टीन होगा और पेस्ट होगा। सिस्टीन के ऊपर आके कौन जुड़ेगा, हमारा क्रोमोफोर जुड़ जाएगा। अब सिस्टीन के ऊपर भी आके हमारा क्रोमोफोर जुड़ गया तो उस पेस्ट साइड को भी क्या कर दिया जाएगा, छिपा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने क्या देखा कि ये जो सी टर्मिनस होता है उसके पास डाइमराइजेशन डोमेन होता है, डाइमराइजेशन के लिए साइट होता है। तो डाइमराइजेशन का साइट का मतलब यही है कि जब दो मोनोमर्स आके एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो सी टर्मिनस से जुड़ेंगे, साथ ही साथ इस सी टर्मिनस के पास काइनेज एक्टिविटी भी है, तो ये लोग फॉस्फेट ग्रुप को ऐड भी कर सकते हैं। तो इतना सा सिंपल सा चीज है, और टोटल जो प्रोटीन बनता है 125 दूनी 250 किलो डाल्टन का निकल के आता है। तो सिंपल सा चीज, पेस्ट में म्यूटेशन हो जाए तो भी नॉन फंक्शनल है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, अगर पेस्ट साइट म्यूटेट हो गया तो भी नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, और अगर उसके ऊपर क्रोमोफोर नहीं जुड़ा तो भी नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, और उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूबीक्यूटिन ऐड करके प्रोटीन को डिग्रेड कर सकते हैं। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, क्रोमोफोर ग्रुप जुड़ना चाहिए, पेस्ट साइट सही सलामत रहना चाहिए। अगर क्रोमोफोर बाइंडिंग साइट पे क्रोमोफोर आके नहीं जुड़ा, मतलब यहाँ पे जो सिस्टीन है
जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, सिस्टीन के ऊपर आके थायो ईथर बॉन्ड से क्रोमोफोर अगर नहीं जुड़ा तो भी प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। दूसरी बात, अगर इस पेस्ट साइट में म्यूटेशन भी हो जाए, क्या हो जाए, इस पेस्ट साइट में म्यूटेशन भी हो जाए तो भी प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा और उसको क्या किया जा सकता है, डिग्रेड किया जा सकता है। अब ये पेस्ट साइट एन टर्मिनस के ऊपर, जबकि सी टर्मिनस के ऊपर डाइमराइजेशन साइट है और काइनेज एक्टिविटी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूबिक्यूटिन जोड़ना कहाँ पे, यूबिक्यूटिन जुड़ेगा वो जुड़ेगा कौन सी साइट, कौन से डोमेन पे, तो यूबी क्यूटिनाइलाइजेशन साइट जो होता है वो प्रेजेंट होता है सी टर्मिनस के ऊपर। पेस्ट साइट एन टर्मिनस के ऊपर है, अगर उसमें म्यूटेशन हुआ तब नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा और उसका यूबी क्यूटिनाइलाइजेशन होगा। और यूबीक्यूटिनाइलाइजेशन का साइट क्या है, तो यूबीक्यूटिनाइलाइजेशन का साइट है सी टर्मिनस के ऊपर। ठीक है, तो अगर पेस्ट साइट में म्यूटेशन हो गया, अगर क्रोमोफोर भी नहीं बाइंड किया और पेस्ट साइट में म्यूटेशन भी नहीं हुआ, बस पेस्ट बाइंड है, तो क्या होगा? पेस्ट बाइंड नहीं, पेस्ट तो अमीनो एसिड है, वो प्रोटीन का ही सीक्वेंस है, तो क्या होगा? तो क्रोमोफोर जब बाइंड नहीं हुआ है तो भी तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन है। हम इंतजार करेंगे क्रोमोफोर की बाइंडिंग का, अगर नहीं हो पाया तो भी डिग्रेड कर देंगे। क्रोमोफोर अगर नहीं बाइंड कर पाया तो भी प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा। हम इंतजार करेंगे कि पहले क्रोमोफोर आके बाइंड हो, क्रोमोफोर बाइंड नहीं होगा तो सिंपल सी बात है होलो एंजाइम भी नहीं बनेगा, जैसा कि यहाँ पे देखो तुम लोग। सर तो वैसे में जो पेस्ट है वो सिस्टीन के साथ जो क्रोमोफोर बाइंड हो रहा है उसको प्रभावित करता होगा, बोल सकते हो। अब इसका फंक्शन एकदम एक्जेक्टली तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इस साइड में म्यूटेशन हो तो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाता है। अब इसका अप्रोप्रिएट फंक्शन क्या है वो चीज़ नहीं पता है, अभी के टाइम पे कुछ रिसर्च हुआ हो तो रिसर्च पेपर में मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये उठ के आता है, क्या क्रोमोफोर अकेले या फिर एपोप्रोटीन अकेले काम कर सकता है? आंसर निकल के आता है नहीं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एपोप्रोटीन और क्रोमोफोर सिंपल तीन चीज को ले लेते हैं, एक तो हो गया एपोप्रोटीन, एक हो गया क्रोमोफोर और एक हो गया मोनोमर जो होलो एंजाइम नहीं बनाया। अगर ये लोग सेपरेटली प्रेजेंट है तो दे आर नॉन फंक्शनल। चाहे क्रोमो एपोप्रोटीन अकेले हो, चाहे क्रोमोफोर अकेले हो, चाहे मोनोमर अकेले हो, प्रोटीन बनेगा नॉन फंक्शनल। ओनली एक ही केस है जब होलो एंजाइम बन जाए। होलो एंजाइम में क्या हो रहा है कि एपोप्रोटीन पहले क्रोमोफोर के साथ बाइंड हो गया और ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स मिले, उसने बनाया होलो एंजाइम, यही प्रोटीन फंक्शनल होगा। एपोप्रोटीन और क्रोमोफोर मिलके एक सिंगल सब यूनिट का मॉलिक्यूल बनाया और ऐसे दो सब यूनिट मिलके होलो एंजाइम बनाए, तो यही होलो एंजाइम क्या होगा, फंक्शनल होगा। चाहे एपोप्रोटीन अकेले प्रेजेंट हो, चाहे क्रोमोफोर अकेले प्रेजेंट हो, चाहे ये दोनों मिलके एक बार मोनोमर भी बना लिए,
चाहे एपोप्रोटीन अकेले हो, चाहे क्रोमोफोर अकेले हो, चाहे क्रोमोफोर और एपोप्रोटीन मिलके मोनोमर भी बना लिया लेकिन वो मोनोमर डाइमर नहीं बना है, तो भी वो नॉन फंक्शनल होगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे प्रोटीन की बात। प्रोटीन के बाद अब अगर इसके टाइप की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, टाइप की बात करें, तो टाइप की बात कर लेते हैं। जब टाइप की बात करते हैं तो हमको यह चीज पता चलता है कि फाइटोक्रोम्स को इनकोड किया जाता है बाय ए मल्टी जीन फैमिली, और जब मल्टी जीन फैमिली के द्वारा इनकोड किया जा रहा है तो बहुत सारे जीन हैं, तो अलग अलग तरीके के क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। मेनली दो तरीके के प्रोटीन बनते हैं, एक को कहा जाता है टाइप वन और एक को कहा जाता है टाइप टू। टाइप वन में जो फाइटोक्रोम आता है उसका एग्जाम्पल है फाइटोक्रोम ए, और टाइप टू में जो फाइटोक्रोम्स आते हैं उसका एग्जाम्पल है फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम डी और फाइटोक्रोम ई, जो हमारा टाइप वन का एग्जाम्पल है वो है फाइटोक्रोम ए, टाइप टू का एग्जाम्पल है बी सी डी और ई फाइटोक्रोम्स। अब अगर टाइप वन को देखो ना, तो टाइप वन जो होता है ऐसे प्लांट्स जो कि इटियोलेटेड होते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो टाइप वन प्रोटीन इज एबंडेंट इन इटियोलेटेड प्लांट। कितना एबंडेंट, तो 9 times मोर देन डी इटियोलेटेड प्लांट और द डार्क कंडीशन। ऐसे प्लांट जो डार्क कंडीशन में हैं, उनमें 9 times ज्यादा पाया जाता है। जबकि जो टाइप बी के जो प्रोटीन्स होते हैं, टाइप बी के प्रोटीन्स और टाइप ए के प्रोटीन लाइट कंडीशन में देखो तो लाइट कंडीशन में टाइप वन और टाइप टू के प्रोटीन जो होते हैं वो सेम अमाउंट में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि टाइप वन का प्रोटीन जो होता है इटियोलेटेड प्लांट में ज्यादा होता है, डार्क कंडीशन में 9 times ज्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन लाइट कंडीशन के दौरान टाइप वन की बात कर लो चाहे टाइप टू की बात कर लो, दोनों सेम अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं टाइप वन और टाइप टू को। चलो टाइप वन और टाइप टू को कंपेयर कर रहे हैं। अभी तक तो हमने बस बेसिक सा चीज देखा कि टाइप वन जो होता है वो डार्क कंडीशन में ज्यादा होता है, टाइप टू जो होता है लाइट कंडीशन में उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, लाइट कंडीशन में टाइप वन और टाइप टू लगभग दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। पहला अंतर तो यही है कि डार्क में ज्यादा पाया जाता है, डार्क में 9 times मोर पाया जाता है, जबकि ऐसा कोई चीज यहां पर टाइप टू में नहीं। अगर बात करें तो टाइप वन जो होता है वो एक्टिव होता है इन द डार्क कंडीशन। कौन से कंडीशन में एक्टिव होता है, डार्क कंडीशन में एक्टिव होता है, जबकि टाइप टू जो होते हैं दे आर एक्टिव इन लाइट कंडीशन, यानी कि डे कंडीशन, रेड लाइट प्रेजेंट हो तब। जबकि टाइप वन को फिर से देखो तो टाइप वन जो होते हैं डार्क में रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, दे रिसीव रेड लाइट, सॉरी
रात के टाइम पे रेड लाइट कहाँ होती है? रात के टाइम पे ये लोग कौन सी लाइट को रिसीव करते हैं? फॉर रेड लाइट को रिसीव करते हैं, जबकि हमारा टाइप टू जो होता है वो रेड लाइट को रिसीव करता है। टाइप वन जो होता है वो फॉर रेड लाइट को रिसीव करता है, जबकि टाइप टू जो होता है वो रेड लाइट को रिसीव कर रहा होता है। अगर टाइप वन को देखो और टाइप वन वाले प्रोटीन्स को लाइट वाले कंडीशन में ले आओ, ये लोग तो डार्क कंडीशन में एक्टिव है। तो अगर टाइप वन वाले प्रोटीन को डार्क कंडीशन से लाइट वाले कंडीशन में ले आओ तो ये लोग डिग्रेड हो जाते हैं। तो टाइप वन प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड इन लाइट, जबकि टाइप टू प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर स्टेबल इन लाइट। यही अंतर है। एग्जाम्पल भी तुम लोग आराम से लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल है फाइटोक्रोम ए और इसके एग्जाम्पल है फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम डी एंड फाइटोक्रोम ई। मल्टी जीन फैमिली के मेंबर हैं। एक जीन जो होता है वो फाइटोक्रोम ए को इनकोड करता है, दूसरा बी को, तीसरा सी को, चौथा डी को और पांचवा ई को। फाइटोक्रोम ए जो होता है वो फॉर रेड लाइट को रिसीव करता है, डार्क में ज़्यादा स्टेबल होता है, लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है। जबकि टाइप टू जो होता है वो रेड लाइट को रिसीव करता है और लाइट के प्रेजेंस में स्टेबल होता है। तो क्वेश्चन उठता है कि लाइट के प्रेजेंस में हमारा फाइटोक्रोम ए का होता क्या है? तो चलो समझते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है फाइटोक्रोम ए का जीन। नॉर्मल जो टाइप टू वाला प्रोटीन है वो नाइट के कंडीशन में स्टेबल रहता है या अनस्टेबल? नाइट के कंडीशन में उसके प्रोटीन जो होते हैं वो वापस बैक कंडीशन में, मतलब पीआर वाले कंडीशन में आ जाते हैं। कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता। हम लोग उस चीज को लिखेंगे हम लोग, ठीक है? इसको देख लेते हैं टाइम ही क्या हुआ, क्या टाइम हो गया अभी? 6:15 ही तो हुआ है अभी। 4:30 से तो पढ़ना स्टार्ट किया था, 4:30 के बाद से। ये जो फाइटोक्रोम ए जीन है इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इससे बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है फाइटोक्रोम ए का प्रोटीन जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये जैसे ही इसको एब्जॉर्ब करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम ए का फॉर रेड लाइट वाला कंडीशन में। अब सिंपल सा बात है, देखो अब ये पीएफआर वाला जो फॉर्म है वो पीआर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ही लाइट पड़ी, क्या पड़ी? लाइट। लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो फाइटोक्रोम ए का पीएफआर वाला कंडीशन होता है, ये वाला कंडीशन, इसके ऊपर यूबीक्यूटीन ऐड कर दिया जाता है और ये प्रोटीन जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है 26S प्रोटियाजोम में। क्या कर दिया जाता है इसको? 26S प्रोटियाजोम में डिग्रेड कर दिया जाता है यूबीक्यूटीन ऐड करके। साथ ही साथ देखो ट्रांसलेशन लेवल के बाद तो डिग्रेड कर ही दिया गया, उसके अलावा अगर ये प्रोटीन अगर बचा हुआ है तो वो इस जीन के एक्सप्रेशन को भी रोक देता है। क्या कर देता है? एक्सप्रेशन को भी इनहिबिट कर दिया जाता है। दूसरा होता क्या है कि एमआरएनए की स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है।
होता है, mRNA की स्टेबिलिटी भी कम हो गई, जो प्रोटीन बना उसको भी डिग्रेड कर दिया गया और एक्सप्रेशन को भी क्या कर दिया गया, इनहिबिट कर दिया गया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन का लेबल हो वो भी प्रभावित होता है, mRNA की स्टेबिलिटी है वो भी प्रभावित होती है, और वो जो फंक्शनल प्रोटीन है उसकी एक्टिविटी भी प्रभावित होती है। तो इस चीज को लिख लेना है बस हम लोग को, चलो लिख लो। लिखना, इन रेड लाइट फाइटोक्रोम ए एक्सप्रेशन इज इनहिबिटेड बाय इटसेल्फ एंड एमआरएनए इज डिग्रेडेड एंड पीएफआर इज ऑल्सो डिग्रेडेड एंड पी एफ आर इज ऑल्सो डिग्रेडेड बाई यूबी क्यूटिन। अब तुम लोग को कॉपी में पढ़ने के टाइम पे रिवीजन में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए तुम लोग को मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात कि फाइटोक्रोम ए जो होता है वो फॉर रेड लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले ये भी देख लिया है कि वो कुछ अमाउंट में रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर रेड लाइट प्रेजेंट रहा, यानी कि डे टाइम है और रेड लाइट प्रेजेंट रहा, तो उस केस में फाइटोक्रोम ए के वो वाले प्रोटीन्स जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो लोग रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। बाकी नॉर्मल लोगों का काम होता है फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले फाइटोक्रोम ए हैं वो इस रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे ही रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो फाइटोक्रोम ए का फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ही ये बनेगा ना, फाइटोक्रोम ए का फॉर रेड लाइट वाला, ये जाके पहला काम तो क्या करेगा, जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देगा। दूसरी बात, इसका जो एमआरएनए बना हुआ है पहले से, उस एमआरएनए की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और एमआरएनए की स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इसके एमआरएनए को भी डिग्रेड कर दिया जाएगा। तो जीन एक्सप्रेशन होना बंद हो गया तो नया एमआरएनए नहीं बनेगा, जो एमआरएनए पहले से बना हुआ था उसको भी डिग्रेड कर दिया गया, और जो प्रोटीन बचा हुआ है उसको भी प्रोटियाजोम में ले जाके हम लोग क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। अल्टीमेटली रेड लाइट के प्रेजेंस में कोई भी फाइटोक्रोम ए एक्टिव नहीं बचता। ठीक, जबकि क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो फॉर रेड लाइट को नहीं रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और रेड लाइट के प्रेजेंस में ये लोग अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए डिग्रेड हो जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर तुम फाइटोक्रोम बी की बात कर लो, चाहे सी डी ई की बात कर लो, जैसे कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी डी और ई, इसका जीन है, इससे भी एमआरएनए बनता है, और इससे भी क्या होता है, फाइटोक्रोम रेड वाला कंडीशन आएगा जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉर रेड लाइट के प्रेजेंस में वापस पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइटोक्रोम बी सी डी ई के जो जीन हैं उनका एक्सप्रेशन होगा तो उससे उसका एमआरएनए बनेगा, फाइटोक्रोम बी सी डी ई का रेड लाइट वाला क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, और वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा। पीएफआर जो है वो क्या दे सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है, और वापस फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके वो वापस पीआर वाले कंडीशन में जा सकता है। लेकिन
क्या लाइट जब हम लोग इसको दे दे, रेड लाइट दे दे चाहे फॉर रेड लाइट दे दे, तो इसके एक्सप्रेशन पैटर्न में कोई चेंज आता है क्या? हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट ये निकल के आया कि लाइट का जो प्रेजेंस है वो इसके एमआरएनए की स्टेबिलिटी को और इसके प्रोटीन को सिग्निफिकेंटली कोई अफेक्ट नहीं करता। तो लिख लेना, द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप टू फाइटोक्रोम, द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप टू फाइटोक्रोम, द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप टू फाइटोक्रोम एंड एमआरएनए इज नॉट सिग्निफिकेंटली, इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई लाइट, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई लाइट बट दे आर मोर स्टेबल इन द लाइट, बट दे आर मोर स्टेबल इन द लाइट, मोर स्टेबल इन द लाइट। लेकिन हमको कुछ म्यूटेंट्स के बारे में पता है, उन म्यूटेंट्स के बारे में भी लिख लेते हैं। हाई वन एंड हाई टू, हाई वन और हाई टू, हाई जान ही रहे किसको बोला था हमने, जिसमें हाइपोकोटाइल जो होता है वो लंबा हो गया होता है, लॉन्ग हाइपोकोटाइल। तो हाई वन और हाई टू जो म्यूटेंट होते हैं, हाई वन और हाई टू म्यूटेंट जो होते हैं वो म्यूटेंट इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग क्रोमोफोर। तो हाई वन और हाई टू में क्रोमोफोर का प्रोडक्शन नहीं होता, नॉट क्रोमोफोर प्रोडक्शन। जबकि एक और प्लांट है जिसे कहा जा रहा है हाई थ्री म्यूटेंट, और हाई थ्री म्यूटेंट जो प्लांट्स होते हैं उसमें फाइटोक्रोम बी म्यूटेट हो जाता है। क्या म्यूटेट हो जाता है? फाइटोक्रोम बी म्यूटेट हो जाता है। तीन तरीके के हाई म्यूटेंट्स हैं, हाई वन, हाई टू और हाई थ्री, ये फाइटोक्रोम में म्यूटेशन शो करते हैं। हाई वन और हाई टू क्रोमोफोर नहीं बना पाते हैं, जबकि हाई थ्री जो होता है वो फाइटोक्रोम बी का फंक्शनल फॉर्म ही नहीं बना पाता। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके फंक्शन नहीं शो कर पाते। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे, सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक प्लांट ले लिया, कोई भी एक प्लांट ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए मस्टर्ड का प्लांट ले लो, हमने कोई भी एक प्लांट ले लिया और इस प्लांट को क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले लो, जैसे कि सुबह 7 बजे ले लो, हमने रेड लाइट दे दिया, क्या कर दिया, रेड लाइट दे दिया। अब जैसे ही हमने उसको रेड लाइट दिया, रिस्पांस तो तुरंत मिल नहीं जाएगा, हमने क्या किया, वेट किया। पहले पीआर वाला जो फॉर्म होगा वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब होके किस में कन्वर्ट होगा, पीएफआर में कन्वर्ट होगा। पीएफआर जो है वो कोई ना कोई एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिव करेगा। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन देख लेते हैं। एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन के लिए तुमको पता है 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, माई बी एंड माई सी, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने ले जाके क्या कर दिया, एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन करा दिया। लेकिन एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन हमको तुरंत 7 बजे देखने को नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो 7:05 पे देखने को मिला। तो 2 टाइम है यहां, देखो जब हमने लाइट दी और जब हमको रिस्पॉन्स मिला तो इसके बीच में एक गैप है। क्या है, इसके बीच में एक गैप है, इस गैप को कहा जाता है लैग टाइम। क्या कहा जाता है,
सिंपल सा चीज, लेग टाइम। अब लेग टाइम किसको कह दिया हमने, इट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब जो हमने उसको रेड लाइट दिया एंड ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्स। तो जो ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट और रिस्पॉन्स के बीच में जो टाइम का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को क्या कह दिया हमने, लैग टाइम कह दिया। जैसे कि हमने 7 बजे रेड लाइट दे दिया था, रिस्पॉन्स जो है वो हमको कब देखने को मिला, वो रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला 7:05 पे। तो ये जो 5 मिनट का गैप है, इसे क्या कहा जा रहा है, लैग टाइम कहा जा रहा। लेकिन तुम एक और काम करो, जब तुमने पता कर लिया कि लैग टाइम 5 मिनट, तुमने 7 बजे रेड लाइट दिया और फिर 7:01 पे तुम उसको फॉरवर्ड लाइट दे दो। जैसे ही फॉरवर्ड लाइट दोगे तो क्या होगा, पीएफआर वाला फॉर्म वापस पीआर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे का पाथवे बंद हो जाएगा और एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सेम 7:02 पे देखो कि क्या पीएफआर फॉरवर्ड लाइट को एब्जॉर्ब करके वापस पीआर में कन्वर्ट हो जा रहा है क्या। तो वो टाइम जब हम लोग रेड लाइट के इफेक्ट को फॉर रेड लाइट देख के वापस रिवर्स करवा सकते हैं, उस टाइम को कहा जाता है एस्केप टाइम। इस टाइम को क्या कहा जाता है, एस्केप टाइम कहा जाता है। एस्केप टाइम मतलब जब हमने 7 बजे रेड लाइट दिया था, 7:01 पे फॉर रेड लाइट, तो पी एफ आर वाला फॉर्म जो है वापस पी आर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और रिस्पॉन्स हमको देखने को नहीं। लेकिन क्या हर बार यही कंडीशन होगा क्या, तुम 7:04 पे फॉर रेड लाइट दो तो हो ये सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन जाए। अब जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन जाए उसके बाद तुम फॉर रेड लाइट दो तो कोई तो भी रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा। तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा जब तक हम लोग फॉर रेड लाइट देख के रेड लाइट के रिस्पॉन्स को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो टाइम क्या कहलाता है, एस्केप टाइम कहलाता है। तो चलो एस्केप टाइम के बारे में भी लिख लेते हैं। तो एस्केप टाइम का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ रेड लाइट कैन बी रिवर्स्ड बाय इफेक्ट ऑफ रेड लाइट कैन बी रिवर्स बाई गिविंग द फॉर रेड लाइट। इफेक्ट ऑफ रेड लाइट कैन बी रिवर्स बाई गिविंग द फॉर रेड लाइट विथ इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इसी को हम बोलेंगे एस्केप टाइम। लेकिन एक बार जब एस्केप टाइम पार हो गया, जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ पे 7 बजे क्या कर दिया था, रेड लाइट दे दिया था प्लांट को। तो जब 7 बजे हमने रेड लाइट दिया तो ये जो पीआर वाला कंडीशन था वो रेड लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा, पीएफआर बनाएगा। और पीएफआर बनने में तुमको लग गया 7:03 का टाइम। और फिर 7:04 पे क्या देखने को मिल रहा है तुमको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन के रेडी है। अब एक बार ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन गया तो एंथोसाइनिन बन जाएगा, मतलब रिस्पॉन्स आ जाएगा। हम सिंपल सा केस ऐसा डिस्कस कर रहे हैं। तो हुआ ये कि देखो 7:03 तक क्या हो रहा है, पीआर जो है वो पीएफआर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग 7:01 पे
या फिर 7:02 पे, या फिर 7:03 पे, 7:01 पे, या फिर 2 मिनट पे? अगर हमने फॉर रेड लाइट दे दिया तो फॉर रेड लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? वापस ये जो पी एफ आर वाला है वो पी आर में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम्हारा रेड लाइट का इफेक्ट देखने को हमको नहीं मिलेगा 7:05 पे। तो यही टाइम जो है वो कहला रहा है एस्केप टाइम। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जैसे कि 7:04 पे तुमको देखने को मिल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन के रेडी है। अब तुम 7:04 पे अगर फॉर रेड लाइट दो भी तो क्या रिस्पॉन्स रिवर्स होगा? आंसर है नहीं। तो एस्केप टाइम बीत जाने के बाद अगर तुम फॉर रेड लाइट दे भी दो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस चीज को भी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आफ्टर एस्केप टाइम फोटो रिवर्स। अच्छा एक और टर्म लिख लो, फोटो रिवर्सिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। एक वर्ड यहां पे हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, फोटो रिवर्सिबिलिटी। फोटो रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि पीआर वाले फॉर्म का पीएफआर वाले फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, फोटो रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। पीआर वाले फॉर्म का ही पीएफआर वाले फॉर्म में कन्वर्ट होना, पीआर का पीएफआर में कन्वर्ट होना इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट। लेकिन जैसे ही इसको फॉर रेड लाइट दे दो तो पीएफआर वापस जो है वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पीआर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे ही क्या कहा जाएगा, फोटो रिवर्सिबिलिटी कहा जाएगा। लेकिन एक बार जब एस्केप टाइम पार हो गया तो तब तुम फोटो रिवर्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है वो। लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा होगा जब तुम फॉर रेड लाइट दे के रेड लाइट का रिस्पॉन्स को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। तो वो टाइम क्या कहलाता है, एस्केप टाइम कहलाता है। लैग टाइम क्या है, तो जब तुमने स्टिमुलस दिया और तुमको रिस्पॉन्स कितना टाइम बाद देखने को मिल रहा है उसको लैग टाइम कहा जाता है। ये चीज भी समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब जब इतना सा चीज समझ में आ गया तो और थोड़ा सा चीज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, रिस्पॉन्स कितने तरीके से देखने को मिल सकता है प्लांट में। देखो प्लांट में 3 तरीके के रिस्पॉन्स देख सकते हैं और इसको हम लोग बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट रिक्वायरमेंट। कितने लाइट की जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग प्लांट के जो रिस्पॉन्स है, फाइटोक्रोम के जो रिस्पॉन्स है, उसको 3 तरीके के रिस्पॉन्स में बांट सकते हैं। पहला होता है वेरी लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स, VLFR। अब यहां पे एक टर्म यूज हुआ है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी किसे कहा जाता है वो समझते हैं, यहां पे लिख लेते हैं फ्लुएंसी का मतलब। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक लिप में कोई एक यूनिट एरिया के ऊपर कितने फोटोन की जरूरत पड़ेगी फंक्शन होने के लिए, उसे कहा जाएगा फ्लुएंसी। मतलब अगर सिंपल सा बात मैं करूं तो लीप के 1 cm × 1 cm के एरिया पे कितना फोटोन डाल दें हम लोग कि रिस्पॉन्स मिल जाए, उसे कहा जाएगा फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी का मतलब क्या है, इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, इट इज नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ
लीप फोर रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स के लिए हमको लीप के पर यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन्स की जरूरत है उसे कहा जाता है फ्लुएंसी. अब एक बार जब फ्लुएंसी तुमको समझ में आ गया तो वेरी लो फ्लुएंसी का मतलब भी समझ में आ जाएगा. वेरी लो फ्लुएंसी का मतलब क्या निकल के आ जा रहा है कि हमको यूनिट एरिया ऑफ लीप के ऊपर बहुत कम फ्लुएंसी चाहिए, बहुत कम फोटॉन्स चाहिए, तो उसे कहा जा रहा है वेरी लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स. अब कितना लो, तो जो फायर फ्लाई होता है मतलब जो जुगनू होता है उसका 1/3, 1/10 लाइट भी मिल जाए, 1/10 ऑफ द फायर फ्लाई लाइट भी अगर हो तो भी क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है. तो जो जुगनू चमक रहा होता है उसका 1/10 हिस्सा भी अगर लाइट मिल जाए तो भी ये रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है. तो रात को देखोगे तो चंद्रमा की रोशनी इतनी होती है सफिशियंट अमाउंट में कि वेरी लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स हो जाएगा. तो सिंपल सी बात है, कौन इसको दिखाएगा, तो फाइटोक्रोम ए इन्वॉल्व होंगे क्योंकि रात के टाइम पे फाइटोक्रोम ए ही जो होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, दिन के दौरान तो ये अनस्टेबल होते हैं. तो वेरी लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स में फाइटोक्रोम ए इन्वॉल्व होते हैं, टाइप 1 फाइटोक्रोम्स इन्वॉल्व होते हैं. हमने देखा था कि रात के टाइम पे 3% पीएफआर एक्टिव रहता है. इस रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए 0.02% पीएफआर सफिशियंट है. इस रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए 0.02% पीएफआर भी रहे तो भी सफिशियंट. हम लोग तो देख भी चुके हैं नाइट में 3% तो पीएफआर रहता ही है. तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा भी लाइट मिला तो ये वाला रिस्पॉन्स जो है वो अपने आप हो जाएगा. थोड़े से ही लाइट के प्रेजेंस में 0.02% पीएफआर एक्टिवेट हो जाएंगे, 100 में 2 एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना काम चल जाएगा. तीसरी बात कि ये जो रिस्पॉन्स होते हैं इनको इतने कम लाइट की जरूरत पड़ती है कि हम अगर फोटो रिवर्सिबिलिटी करवाना भी चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है. फोटो रिवर्सिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल. तो वेरी लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स जिसमें फाइटोक्रोम ए इन्वॉल्व होते हैं उनको इतनी कम लाइट की आवश्यकता पड़ती है, 0.02% पीएफआर भी एक्टिवेट हो जाए तो रिस्पॉन्स दिख जाएगा. तो इतना कम जब लाइट की जरूरत है तो हम इस लाइट के रिस्पॉन्स को वापस रिवर्सिबल नहीं कर पाएंगे, फोटो रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे संभव नहीं होती. समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखो तो एराबिडोप्सिस प्लांट में जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो वेरी लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स का ही एग्जाम्पल होता है. तो फ्लुएंसी क्या होता है ये चीज समझ में आ गया, तो वेरी लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स भी समझ में आ जाएगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फोटो रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है क्योंकि बहुत कम पीएफआर के प्रेजेंस में भी ये रिस्पॉन्स शो हो सकता है. दूसरे तरीके का जो रिस्पॉन्स होता है उसे कहा जाता है लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स.
वेरी लो के बाद लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स। तो लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स के लिए कम से कम 10% ऑफ पीएफआर इज रिक्वायर्ड। अब रात के टाइम तो ये चीज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रात के टाइम पे ओनली 3% पीएफआर अवेलेबल होते हैं। तो ये लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स हमेशा डे के टाइम पे चलेगी, और डे के टाइम पे फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम डी या फिर फाइटोक्रोम ई ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। तीसरी बात, अब देखो जब तक 10% फाइटोक्रोम्स पीएफआर के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ये रिस्पॉन्स तो नहीं हो सकता। तो अगर 10% होने से पहले ही हमने फोर रेड लाइट दे दी तो फोटो रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे संभव हो जाएगी। तो फोटो रिवर्सिबिलिटी इज पॉसिबल। फोटो रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, पॉसिबल होती है। इसके अलावा ये जो लॉ फ्लुएंसी होता है ना, इट फॉलो रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये जो हमारा लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो अब क्वेश्चन यही ना उठेगा कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी है क्या। तो देखो सिंपल सा बात, देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा चीजें, दो अलग अलग चीजें। तो सिंपल सा चीज देखो, अगर तुम रेड लाइट दे रहे हो और रेड लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसको कम टाइम के लिए दो तो भी 10% पीएफआर मिल जाएगा हमको। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, लाइट में एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को कम टाइम के लिए दो तो भी रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर लाइट में उसकी इंटेंसिटी कम है, और लाइट की इंटेंसिटी जब कम है और हम लोग को क्या करना है, उस लाइट को ज्यादा टाइम तक देना है तो भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों कंडीशन में, जब लाइट की इंटेंसिटी कम है और लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, दोनों कंडीशन में अलग अलग ड्यूरेशन पे हमको लाइट रिस्पॉन्स मिल जाए तो कहा जाता है रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी कहा जाता है। तो सिंपल, अगर सफिशियंट ब्राइट लाइट है, इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दो तो भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और अगर डिम लाइट है इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दो तो भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ब्राइट लाइट के प्रेजेंस में शॉर्ट ड्यूरेशन और डिम लाइट के प्रेजेंस में लॉन्ग ड्यूरेशन, दोनों कंडीशन में हमको रिस्पॉन्स मिले तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहा जाता है। तो ये होता है हमारे लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स की बात। तो इसका एग्जाम्पल, ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रेड लाइट रिस्पॉन्स, इसको हम लोग लास्ट में जो रोज रिस्पॉन्स अभी लिखेंगे ना, वो सभी एग्जाम्पल जो है ये लो फ्लुएंसी रिस्पॉन्स के ही एग्जाम्पल लिखेंगे। अभी नहीं लिखे हम लोग, थोड़ा देर बाद लिखेंगे। अब तीसरे तरीके का जो रिस्पॉन्स होता है इसे कहा जाता है हाई इरिडिएशन रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पे फ्लुएंसी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, इरिडिएशन की बात कर रहे हैं, रेडिएशन की बात कर रहे हैं, फ्लुएंसी की बात नहीं हो रही है यहाँ से। फ्लुएंसी रिस्पॉन्स दो ही था, लो फ्लुएंसी और वेरी लो फ्लुएंसी। लेकिन हाई इरिडिएशन की जब बात करते हैं तो हम लोग लाइट के ब्राइटनेस की बात करते हैं। ब्राइटनेस मतलब लाइट के एनर्जी की बात करते हैं।
अगर लाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो एक पर्टिकुलर टाइम में हमको उतना एनर्जी मिल जाए तो ठीक है, रिस्पॉन्स हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे इरिडिएशन में लाइट के ब्राइटनेस की काम करते हैं, ब्राइटनेस की बात करते हैं। देखो हाई इरिडिएशन रिस्पॉन्स को समझना है थोड़ा सा चीज। फ्लुएंसी रिस्पॉन्स में क्या हो रहा था, हम लोग ये देख रहे थे कि पर यूनिट एरिया में फोटोन गिरना चाहिए और फोटोन उतना मिल गया कि पीएफआर एक्टिवेट हो जाएगा तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन हाई इरिडिएशन रिस्पॉन्स में हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती और बहुत ज़्यादा एनर्जी एक सफिशियंट ड्यूरेशन में होना चाहिए। अगर उस ड्यूरेशन में उतनी एनर्जी मिल गई तो रिस्पॉन्स चलेगा। अब एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, अगर एनर्जी कम होगी तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा उस ड्यूरेशन के अंदर। तो हमको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर उतना एनर्जी चाहिए होगा जिसके कारण हम लोग क्या कर सके, रिस्पॉन्स शो कर सके। तो इट हैव रिक्वायरमेंट, इट हैव रिक्वायरमेंट फोटॉन्स इन, फोटॉन्स इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में हम लोग को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पत्ती है और अगर इस पत्ती में हाई इरिडिएशन रिस्पॉन्स चाहिए तुम लोगों को तो एक मिनट के अंदर हमको मान लो एक्स नंबर ऑफ फोटोन चाहिए। क्या चाहिए? एक मिनट के अंदर एक्स नंबर ऑफ फोटोन चाहिए। अगर एक मिनट के अंदर एक्स नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल गए, एक्स का मतलब कुछ भी ले सकते हो तुम अपने हिसाब से, अगर एक मिनट के अंदर एक्स नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, अगर एक मिनट के अंदर तुमको फोटोन मिल गए इतने तो रिस्पॉन्स चलेगा, अगर इतने फोटोन नहीं मिल पाए तो रिस्पॉन्स नहीं चलेगा। तो क्या इसके ऊपर लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी लागू होगा? बिल्कुल भी नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी में हमने क्या बोला था, डिम लाइट ज्यादा टाइम तक के लिए दो और ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट को कम ड्यूरेशन के लिए दो। तो यहाँ पे ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में देखो हाई एनर्जी मतलब कि हाई एनर्जी वाली वेवलेंथ से तो क्या हो जाएगा, एक मिनट के अंदर उतने फोटॉन्स मिल जाएंगे, लेकिन डिम लाइट की वजह से उतने फोटॉन्स इस यूनिट टाइम में हमको नहीं मिल पाएंगे, रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी को फॉलो नहीं करते। दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है, सिग्नलिंग जो होती है वो बहुत फास्ट होती है और सिग्नलिंग बहुत फास्ट होने के कारण हम लोग इसको फोटो रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो फोटो रिवर्सिबिलिटी इज एब्सेंट, फोटो रिवर्सिबिलिटी इज एब्सेंट। उसके बाद हमने क्या बोला, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर हमको कुछ नंबर ऑफ फोटोन का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया तो रिस्पॉन्स है, नहीं तो रिस्पॉन्स नहीं है। सिंपल सी बात। अगर एग्जांपल्स की बात करो तो इसके एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं, सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन, सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन इन एप्पल एंड मैनी डाइकॉट प्लांट्स, एप्पल और बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स में हमको एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन करना है तो वो हाई रेडिएशन रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं हम लोग के पास, जैसे कि फ्लावरिंग इन द हेनबेन प्लांट, फ्लावरिंग बढ़ेगी कोटाइलीडॉन का इलोंगेशन इन मस्टर्ड, ये भी बढ़ेगा
इसके अलावा इथिलीन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा इन द सॉर्गन, साथ ही साथ यहाँ पे सब कुछ ही बढ़ेगा ही नहीं, एक चीज हाइपोकोटाइल मस्टर्ड में घटेगा, हाइपोकोटाइल का लेंथ जो है वो कम होगा। हाइपोकोटाइल तो वैसे भी तब इलोंगेट होती है जब लाइट नहीं होता है, लाइट के प्रेजेंस में हाइपोकोटाइल का लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी हाई इरिडेशन रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है। इतनी तक की चीजें अगर समझ में आई तो अब फाइटोक्रोम का सिग्नलिंग देख लेते हैं एक बार। फाइटोक्रोम सिग्नलिंग, अब फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग की बात करें हम लोग, तो फाइटोक्रोम के टाइप वन की बात कर लेते हैं और टाइप टू की बात कर लेते हैं। टाइप वन का एग्जांपल तो तुमको पता ही है कौन है, फाइटोक्रोम ए, और टाइप टू का एग्जांपल तुमको पता ही है फाइटोक्रोम बी सी डी या फिर ई। इसमें हम लोग सबसे फेमस एग्जांपल ले लेते हैं फाइटोक्रोम बी का। अब देखो फाइटोक्रोम ए जो होता है, हमने क्या किया, फाइटोक्रोम ए लिया और फाइटोक्रोम ए के ऊपर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को जोड़ दिया, और ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जोड़ने का फायदा यह होगा कि हम लोग इसके मूवमेंट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि ये कैसे मूव कर रहा। फिर हमने क्या किया, यहां पे जो फाइटोक्रोम ए बना उसको दे दिया रेड लाइट, कौन सी लाइट दे दिया, रेड लाइट, और ये जो फाइटोक्रोम ए जो है रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके फाइटोक्रोम ए के फॉर रेड लाइट वाले कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइटोक्रोम ए के एफआर वाले कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा रेड लाइट के प्रेजेंस में। अब हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि ये मूव कहां करता है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन तो अभी भी जुड़ा हुआ है इसके ऊपर। तो देखो चाहे ये रेड को एब्जॉर्ब करने वाला हो चाहे फॉर रेड को एब्जॉर्ब करने वाले हैं, ये जल्दी से मूव करके न्यूक्लियस में जा सकते हैं। तो रेड वाला फॉर्म हो चाहे फॉर रेड वाला फॉर्म हो, वो दोनों का दोनों फॉर्म क्या कर सकता है, न्यूक्लियस के अंदर माइग्रेट कर सकता है। लेकिन वहीं पे हमने क्या किया, फाइटोक्रोम बी लिया और फाइटोक्रोम बी के ऊपर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को जोड़ दिया, और यहाँ पे फाइटोक्रोम बी का जो रेड वाला कंडीशन है उसको हमने दे दिया रेड लाइट, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन तो अभी भी इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। जैसे ही इसको रेड रेड लाइट मिलेगा ये फाइटोक्रोम बी के फॉर रेड लाइट वाले कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन तो एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो ही सकते हैं। ये जो हमारा फाइटो ये वाला जो है फॉर रेड वाला, इट मूव्स टू न्यूक्लियस, लेकिन ये डू नॉट मूव टू न्यूक्लियस, मतलब सिंपल सा बात यही है कि फाइटोक्रोम ए के केस में चाहे वो फाइटोक्रोम ए जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता हो चाहे फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता हो, दोनों न्यूक्लियस में जा सकते हैं। लेकिन फाइटोक्रोम बी के केस में ओनली फाइटोक्रोम का फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला बायोलॉजिकली एक्टिव जो कंपोनेंट होता है वो न्यूक्लियस की तरफ माइग्रेट कर सकता है। तो ये अंतर हो गया पहला। दूसरी बात, अगर
यहाँ जो टाइप टू वाले को देखो, तो टाइप टू में दो तरीके के कंडीशन हो सकते, दो तरीके की सिग्नलिंग चल सकती है। एक तो डायरेक्ट सिग्नलिंग चल सकती है और दूसरा इनडायरेक्ट सिग्नलिंग चल सकती है। अब क्वेश्चन उठता है कि डायरेक्ट सिग्नलिंग किसको बोलेंगे, तो अगर फाइटोक्रोम का पीएफआर वाला हिस्सा खुद न्यूक्लियस में जाए तो उसको डायरेक्ट सिग्नलिंग कहा जाएगा। तो फाइटोक्रोम इटसेल्फ इंटर्स इनटू न्यूक्लियस, अगर फाइटोक्रोम खुद न्यूक्लियस में इंटर करे तो उसे डायरेक्ट सिग्नलिंग कहा जाएगा, और अगर फाइटोक्रोम खुद न्यूक्लियस में इंटर ना करे तो इसे इनडायरेक्ट सिग्नलिंग कहा जाएगा। चलो इन दोनों सिग्नलिंग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग की। डायरेक्ट सिग्नलिंग को पढ़ने के लिए थोड़ा सा जगह स्पेस बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझ जाओ ये पूरा का पूरा है सेल। स्लाइड को थोड़ा सा नीचे करिए ना सर। एक बार थोड़ा सा और ऊपर जाइए सर, थोड़ा और ऊपर। हो गया सर। चलो तो अब डायरेक्ट सिग्नलिंग को देखते हैं। डायरेक्ट सिग्नलिंग हमने किसको बोला, जिसमें पीएफआर जो होता है वो खुद न्यूक्लियस के अंदर एंटर करे। तो न्यूक्लियस भी बना लेते हैं, ये जो रेड कलर से हम लोग बना रहे हैं ये हो गया न्यूक्लियस। सिंपल सा बात, देखो साइटोसोल में ये बना हमारा प्रोटीन फाइटोक्रोम बी, और फाइटोक्रोम बी का भी कौन सा है वाला पार्ट जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगर यहाँ पे रेड लाइट प्रेजेंट है तो वो जाके फाइटोक्रोम बी के ऊपर पड़ेगा, और फाइटोक्रोम बी रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके फाइटोक्रोम बी के एफआर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर फॉर रेड लाइट मिले तो वापस उसी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये जो फाइटोक्रोम बी का एफआर वाला फॉर्म है ये क्या हुआ, तो इसने सीधे माइग्रेट कर लिया न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पहुंच गया ये, फाइटोक्रोम बी एफआर पहुंच गया न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के साथ अंदर होते के साथ ही ये एक प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर लेता है जिसका नाम है पीआईएफ। फुल फॉर्म यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, पीआईएफ का फुल फॉर्म है इसका फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर नंबर 3, PIF3, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 3। अब जैसे ही ये प्रोटीन जाके क्या करता है, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर के साथ बाइंड कर लेते। अब ये फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर था कहां पे, तो ये है DNA, और ये DNA जो है उसमें यहां पे एक जगह प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जी बॉक्स। क्या कह रहे हैं, जी बॉक्स कह रहे हैं। सिंपल सा, जी बॉक्स पे क्या होता है, पहले से यहां पे PIF3 प्रेजेंट थे,
और ये फॉर रेड लाइट वाला प्रोटीन जो है वो सीधे जाके बाइंड कर गया किसके ऊपर, PIF3 के ऊपर। तो ये हो गया फाइटोक्रोम बी का फॉर रेड लाइट वाला हिस्सा। अब सिंपल सिंपल सा सीक्वेंस वाइज चीजें लिखते चले जाते हैं हम। ये हो गया पहला, इसको जैसे ही रेड लाइट मिला ये कन्वर्ट हो गया दूसरा, ये कन्वर्ट हो गया तीसरा, तीसरा के बाद ये जाके फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर से बाइंड कर जाएगा। फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर के साथ बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, तो डीएनए पे एक और सीक्वेंस है जिसे कहा जाता है टाटा बॉक्स। क्या कहा जाता है इसे, टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स के ऊपर ये एक और प्रोटीन को लोड करवाता है, मैं यहाँ पे नंबर डाल दे रहा हूँ 5, और जो प्रोटीन यहाँ पे लोड होता है उस प्रोटीन का नाम है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको हम लोग प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। और इस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का काम होता है कि यहाँ पे जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा दे। तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, छठवां काम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा देता है। तो अगर फाइटोक्रोम का एफआर वाला हिस्सा जो है, कंपोनेंट जो है, वो न्यूक्लियस में जाए, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 3 के साथ इंटरैक्ट करे जो कि जी बॉक्स के ऊपर था, वो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को रिक्रूट करता है। और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर देता है और ये जीन है LHC बीटा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बीटा। सिंपल सी बात है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA बनेगा, mRNA न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, उसके बाद उसकी स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग के बाद mRNA को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, साइटोसोल, जहाँ पे इससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन जाके अपना फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे फाइटोक्रोम का जो बी वाला PFR है वो सीधा सीधा क्या किया है, उसने आके न्यूक्लियस में एंट्री ले ली, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, डायरेक्ट सिग्नलिंग कहा जा रहा है। यह है डायरेक्ट सिग्नलिंग। 6 के बाद आराम से चीजें लिख लेते हैं। यह हो गया 7वां, यह हो गया 8वां, 9वां और यह हो गया 10वां। यहाँ पे बस एक चीज कर लेना, माई बी का ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ये माई बी जो होता है वो LHC बीटा का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। माई बी बनता है, माई बी जो होता है वो LHC बीटा का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ये तो हो गई डायरेक्ट सिग्नलिंग की बात। आगे चले इनडायरेक्ट सिग्नलिंग के ऊपर।
इनडायरेक्ट सिग्नलिंग की बात करते हैं। अब इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में जो हमारा फाइटोक्रोम का एफआर वाला पोर्शन होगा वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, तो देखो ये था रेड लाइट। रेड लाइट जब किसके ऊपर पड़ी, फाइटोक्रोम रेड वाले हिस्से पे पड़ी, तो इसने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया, पीएफआर में कन्वर्ट हो गया। पीएफआर जो है वो अपना काम करेगा, क्या काम करेगा, तो ये एक्टिवेट करवा देगा एक प्रोटीन को जिसका नाम है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होगा ये दो प्रोटीन को, दो मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करवाएगा, एक तो साइक्लिक जीएमपी का प्रोडक्शन होगा, दूसरा कैल्शियम साइटोसोल में बढ़ जाएगा। जब साइक्लिक जीएमपी का सेल के अंदर लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा तो वो एक्स नाम के एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करवाएगा, और कैल्शियम जब साइटोसोल में बढ़ेगा तो ये कॉल मॉड्यूलिन पाथवे को एक्टिवेट करवाएगा। कॉल मॉड्यूलिन पाथवे जब एक्टिवेट होगा तो वाई नाम का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होंगे, और ये जो एक्स और वाई नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बने हैं ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाएंगे, और न्यूक्लियस में एंटर करके ये लोग जीन एक्सप्रेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा पीएफआर जो है वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं करता, एंटर कौन करते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एंटर करते हैं। और ये लोग जाके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। तो कुछ एक रिस्पॉन्स के एग्जांपल लिख लेते हैं जो कि रेड लाइट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में लाइट के प्रेजेंस में प्लास्टिड का रेप्लिकेशन होता है, प्लास्टिड का नंबर बढ़ना इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, अगर ओट प्लांट की बात करो तो ओट प्लांट के अंदर डीइटियोलेशन होता है, डीइटियोलेशन देखने को मिलता है। वही मस्टर्ड प्लांट की बात करो तो मस्टर्ड प्लांट के अंदर एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है हम लोगों को। वहीं पे अगर हम लोग जेंथियम प्लांट की बात करें तो जेंथियम प्लांट में फ्लावरिंग कम हो जाती है रेड लाइट के प्रेजेंस में। वहीं पे अगर हम लोग लेट्यूस प्लांट की बात करें तो लेट्यूस में क्या हो जाता है, सीड जर्मिनेशन बढ़ जाता है। वहीं पाइनस में अगर देखें तो पाइनस के अंदर क्लोरोफिल का प्रोडक्शन होता है ज्यादा। पी में अगर देखा जाए मटर में तो इंटरनोड एलोंगेशन रोक दिया जाता है। और अगर नेक्स्ट की अगर बात करो टेरिडोफाइट्स में अगर देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलता है।
माइनस मतलब डिक्रीज कर रहा है या फिर इनहिबिट कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इनहिबिट भी कर रहा है। और ये जेंथियम के नीचे क्या लिखे हैं? लेट्यूस, लेटस। हो गया ये चीज, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फाइटोक्रोम में दो टॉपिक बच गया है, उसको कल देख लेंगे। और क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं वो देख लेंगे, और दूसरा बैक्टीरिया में फाइटोक्रोम किस तरीके के होते हैं उसको देख लेंगे। आज के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक। आज के लिए बस करते हैं सर। एक बार डायरेक्ट सिग्नलिंग वो करिए ना, डायरेक्ट सिग्नलिंग वाले स्लाइड। पीआईसी किसको रिक्रूट, पीआईसी को कौन रिक्रूट करा रहा है? पीआईसी पहले से रिक्रूटेड है जी बॉक्स। वो तो पीआईएफ है। पीआईसी को रिक्रूट करवा रहे हैं ये लोग मिलके, इसकी बात कर रहे हो तो ये लोग मिलके इसको रिक्रूट करा रहे हैं। हो गया आज के लिए बस करते हैं, बाकी कल देख लेंगे।